Now listen, we talk about 520 panso bees. सुन लीजिए, लिसन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स बहुत ही रॉ शब्दों में अगर आपको समझाना है तो मैंने आपको बताया रेशियोज, ग्राफ, परसेंटेजेस को यूज करना ऑडिट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं साहब? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब सुनिए, एनालिटिकल प्रोसीजर्स तीन जगह यूज होते हैं। प्लानिंग में भी यूज होता है। कहां पे होता है? प्लानिंग में। इट कैन बी यूज्ड इन प्लानिंग, प्लानिंग में यूज हो सकता है। प्लानिंग में इसका यूज हो सकता है। आप सिंपल सा एग्जांपल, एनालिटिकल प्रोसीजर्स में रेशियोज, ग्राफ्स निकालते हैं या फिर डायरेक्ट फिगर्स को कंपेयर करते हैं। क्या करें साहब? कंपेयर, या तो रेशियोज को, या तो ग्राफ्स, या फिर फिगर्स को डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है। आप इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पिछले साल से कंपेयर करो, आपको दिखा फिक्स एसेट्स बढ़ रहे, तो आपने पूछा क्या हुआ? बोले हमने 10 नए ब्रांचेस ओपन किए। ओ गुड, 10 नए ब्रांचेस की जानकारी मुझे मिल गई कंपैरिजन करके। तो प्लानिंग में आप यूज कर सकते हो नए डेवलपमेंट समझने के लिए, बिजनेस को और समझने के लिए क्या चेंजेस हुए। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, यू कैन यूज इट एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, यू कैन यूज इट एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। When you use analytical procedure as substantive test, it is called as substantive analytical procedure. आप उसको use कर सकते हो TBD को check करने के लिए। बोले कैसे? Simple है, एक काम कर बेटा, salary का monthly graph बना। अगर salary का monthly graph तेरे को horizontal मिल रहा है, इसका मतलब साल भर salary स्थिर थी, बहुत कम ज्यादा बहुत ज्यादा difference नहीं है, आपको ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी अनयूजुअल आइटम नहीं है, तो वह आपको एक भरोसा दिलाता है, इट गिव्स यू अश्योरेंस कि सैलरी में कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। आई कैन यूज एनालिटिकल प्रोसीजर एट प्लानिंग स्टेज, लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट चेंजेस हैव हैपेंड। कंपेयर कर लेता हूं सिंपल सा पिछले साल से, मुझे समझ में आ जाएगा क्या क्या चेंजेस हुए हैं, मैं प्लानिंग बेहतर कर पाऊंगा। आई कैन यूज टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट टीबीडी, दैट इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। जब मैं एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करता हूं सब्सटेंशिएट करने के लिए, तो क्या बोलते हैं उसको? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। या फिर लास्ट, आई कैन यूज इट फॉर फाइनल रिव्यू। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, जिस पे मैंने मेहनत की है, इसको पिछले साल से कंपेयर करता हूं, जो चेंजेस मिल रहे, जो चेंजेस नजर आ रहे, जो चेंजेस नजर आ रहे, मेरे टीम के पास सपोर्टिंग एविडेंस है, कोराबरेटिव सेल्स दिख रहा है, 30% से बढ़ गया। टीम के पास दिखा है सेल्स के फाइल में, 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे। क्या बात है, जितने चेंजेस है सबके कोराबरेटिव एविडेंस है। ये प्रूफ करता है कि मेरा ऑडिट सफिशियंट है, मैंने बेहतरीन ऑडिट किया है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा एविडेंस है। तो आई कैन यूज एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर फाइनल रिव्यू। समझ रहे सब? लेट्स फ्रीज। कौन सा ऐसे पढ़ो सब? 520 किसके ऊपर है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इट कैन बी यूज एट 3 स्टेजेस। एक पहला प्लानिंग के लिए, क्या चेंजेस हुए ये जान लू। दूसरा किसके लिए? सब्सटेंशिएट करने के लिए। तीसरा किसके लिए? फाइनल रिव्यू के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है, यहां पे पूछा है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स को हम यूज करना चाहते हैं सब्सटेंशिएट करने के लिए, मतलब ट्रांजेक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर को चेक करने के लिए। कौन सी बातें दिमाग में रखनी चाहिए, कौन से फैक्टर्स को दिमाग में रखना चाहिए? बहुत ही आसान, 4 फैक्टर। पहला, आपने पहले ये देखना चाहिए, इज इट सूटेबल, क्या ये सूटेबल है? इज इट सूटेबल, क्या ये एनालिटिकल प्रोसीजर असर्शन को चेक करने के लिए सूटेबल है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं साहब, आपको जीएसटी चेक करना है, जीएसटी बराबर है कि नहीं, तो आप जीएसटी बड़े आसानी से चेक कर सकते हो। सेल्स का लो डेटा
उसके ऊपर रिवर्स कैलकुलेशन, ये 118 है तो 18 कितना है आपके पास में मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड जीएसटी आपके पास में एक्चुअल जीएसटी दोनों मैच होते हैं तो एंड प्रूव कि जीएसटी सही है। इट इज अ वेरी गुड टूल टू चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, इट इज वेरी गुड टूल टू चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा। इट इज वेरी गुड टूल टू चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, एक्यूरेसी बहुत अच्छा टूल है कंप्लीटनेस चेक करने के लिए कि डेटा कंप्लीट है क्या, डेटा एक्यूरेट है क्या, यह चेक करने के लिए बेहतरीन है जीएसटी के लिए। कोई मेरे को बताए लैंड एंड बिल्डिंग के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में रेशियो से चेक कर सकता हूं क्या? ओनरशिप क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, आई विल डू इंस्पेक्शन करेक्ट। ध्यान देंगे सब, बहुत आसान है, हमको यह देखना है, वी हैव टू सी वेदर एनालिटिकल प्रोसीजर इज सुटेबल, वेदर इट इज सुटेबल, क्या यह सुटेबल है इस पर्टिकुलर एरिया के लिए और उसके पर्टिकुलर असर्शन के लिए, टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एग्जाम्पल दिया जीएसटी के लिए सुटेबल है, किसी भी डेटा के कंप्लीटनेस एक्यूरेसी वैल्यूएशन को चेक करने के लिए सुटेबल है, इसके लिए सुटेबल नहीं है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। बात समझ रहे साहब, इट इज नॉट सुटेबल टू चेक कट ऑफ, कट ऑफ के लिए सुटेबल नहीं है। तो बहुत आसान है, अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करना चाहते हो एज अ सब्सटेंटिव टेस्ट, तो पहले आपने देखना चाहिए इस पर्टिकुलर एरिया के इस पर्टिकुलर असर्शन के लिए इज इट सुटेबल, क्या उसकी मदद से हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को पकड़ पाएंगे। अगर पकड़ पाएंगे ये तय हो गया, जीएसटी के लिए बेहतरीन है, सेल्स कमीशन चेक करने के लिए बेहतरीन है, राइट्स ऑब्लिगेशन के लिए अच्छा नहीं है, लीगल एक्सपेंस के अंदर कोई रेशियोग्राफ ही नहीं बनता, उसके लिए सुटेबल नहीं है। फिर दूसरा आपको चाहिए रिलायबल डेटा, आपको क्या चाहिए, रिलायबल डेटा। भाई साहब जीएसटी के लिए यूज करना है तो आपको हर प्रोडक्ट का हर महीने का रिलायबल सेल्स का डेटा चाहिए स्टेट वाइज, हर प्रोडक्ट का हर महीने का स्टेट वाइज आपको रिलायबल डेटा चाहिए सेल्स का, तब जाके आप रिवर्स कैलकुलेशन करके क्या कंप्यूट कर पाओगे जीएसटी। तो रिलायबल डेटा चाहिए, बोले ठीक है डन, देखो रिलायबल डेटा अवेलेबल है क्या, इनके पास में सैप सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, उससे कंप्लीट एक्यूरेट डेटा मिलेगा क्या, वो देखो। तीसरा, ठीक है नाउ लिसन गाइस, हमको एक्चुअल फाइनेंशियल डेटा जो है, एक्चुअल फाइनेंशियल डेटा उसको कंपेयर करना है किसी अमाउंट से, वो जो अमाउंट है उसको एक्सपेक्टेड वैल्यूज बोलते, क्या बोलते उसको, एक्सपेक्टेड वैल्यूज। अब हमको वो अमाउंट डिटरमाइन करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा जिससे हमको कंपैरिजन करना है, उसको बोलते डेवलप एक्सपेक्टेशंस। जिस चीज से कंपैरिजन करना है वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज, एक्सपेक्टेड डेटा को आप डिटरमाइन करो, कंप्यूट करो, एक्सपेक्टेड जीएसटी निकालो, एक्सपेक्टेड सेल्स कमीशन निकालो, एक्सपेक्टेड सेल्स निकालो, ठीक है, पिछले साल के डेटर कंपेयर करना है वो तो डायरेक्ट डेटर आप लेकर आओ। तो स्टेप नंबर थ्री इज कंप्यूटिंग, डिटरमाइनिंग एक्सपेक्टेड वैल्यूज, डिटरमाइनिंग एक्सपेक्टेड वैल्यूज, ध्यान देंगे बहुत आसान है। अगर हमको क्या यूज करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर एज अ सब्सटेंटिव टेस्ट, कितने फैक्टर्स है, चार, पहले उस एरिया के लिए उस असर्शन के लिए क्या होना चाहिए, सुटेबल, देन कलेक्ट रिलायबल डेटा, देन डिटरमाइन एक्सपेक्टेड वैल्यूज, कंपैरिजन के लिए जो चीजें चाहिए वो वैल्यूज को आप कंप्यूट करो, एक्सपेक्टेड वैल्यूज आप निकालो, एंड देन स्टेप नंबर फोर आप कंपैरिजन करो, ठीक है, आप कंपैरिजन करके देखो कोई डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस है क्या वो देखो, और डिफरेंस को फिर आप इन्वेस्टिगेट करो। आप फाइनेंशियल डेटा को एक्सपेक्टेड वैल्यू से कंपेयर करो और अगर डिफरेंस बढ़ जाएगा तो उसको क्या करो, आप इन्वेस्टिगेट करो। तो अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर को लगाना चाहते हो सब्सटैंशिएट करने के लिए सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, तो सिंपल चार बातों का ख्याल रखना पड़ता है, पहले एरिया के लिए असर्शन के लिए सूटेबल,
देन कलेक्ट रिलायबल डेटा, देन कंप्यूट एक्सपेक्टेड वैल्यूज, फिर कंपैरिजन करके क्या निकालो डिफरेंस, ज्यादा है तो उसको इन्वेस्टिगेट कर डालो। इस पॉइंट क्लियर? इन्वेस्टिगेट कैसे करना, पहले चार फैक्टर बताए, फिर बहुत सिंपल बातें बताइए कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करना, वो भी उन्होंने डाल दिया है। करेक्ट, द ऑडिटर शाल इन्वेस्टिगेट, और उसको समझा दिया है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। चार फैक्टर्स थे और इन्वेस्टिगेट कैसे करना, इंक्वायरी, क्या करो साहब इंक्वायरी, आप पूछताछ करिए। यार ये एक्सपेक्टेड जीएसटी तो बहुत ज्यादा आ रहा है, तूने एक्चुअल जीएसटी तो बहुत कम पे किया, हमने पूछताछ की, बता तो कहां डिफरेंस है। तूने रिटर्न में जो सेल्स के लिए सेल्स का डेटा यूज किया है और तू जो यहां पे सेल्स का डेटा है उसमें फर्क है, 100 ट्रांजैक्शन यहां पे ज्यादा है, ये 100 ट्रांजैक्शन कैसे आए, ये 100 ट्रांजैक्शन तो थोड़े अजीब से भी दिख रहे हैं, इन सबके इनवॉइस नंबर भी अलग है, चल इसका डेटा बता इसके, ठीक है इंक्वायरी कर पूछताछ, ये क्यों है कैसा है, डाउट लग रहा है, ये पूरे सेल्स अनयूजुअल लग रहे हैं, फेक सेल्स लग रहे हैं, फेक सेल्स लग रहे हैं, देखा तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही नहीं, डिस्पैच रिकॉर्ड्स ही नहीं, डिस्पैच रिकॉर्ड्स नहीं है मतलब ये नकली ट्रांजैक्शन मिले, तो बोल रहे इंक्वायरी करो पूछताछ करो, नहीं मिले जवाब जाके डॉक्यूमेंट्स देखो, इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट देखो ओरिजिनल क्या है, उसको बोलते हो लोग अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। इन्वेस्टिगेट करना है तो पहले इंक्वायरी करो और परफॉर्म करो अदर ऑडिट प्रोसीजर एज नेसेसरी। बात समझिए साहब, लेट्स फ्रीज, आंसर खत्म हुआ। अगर क्या पहले हमने समझा व्हाट डू मीन बाय एनालिटिकल प्रोसीजर, कितने जगह यूज होता है, 3 जगह, उसमें भी अगर यूज करना है तो कितने फैक्टर्स, 4, इट शुड बी सुटेबल, डेटा शुड बी रिलायबल, कंप्यूटिंग एक्सपेक्टेड वैल्यूज, कंपेयरिंग, डिफरेंस निकालो, इन्वेस्टिगेट करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुनो, फिर इंस्टीट्यूट और डाइव इन करता है, बताओ बोले एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है, रिलायबिलिटी ऑफ, ऐसे अगर रिलायबिलिटी ऑफ डेटा लगो तो कौन सा क्वेश्चन लगता है, 500 का, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा एज पर SF520 में भी सिखाया गया है, SF520 में बताया है, इतना प्यार मोहब्बत से लोगों ने ऐसे बनाया है, वहां पे भी सिखाते कैसे तय करना कि डेटा रिलायबल है कि नहीं है, हाउ टू एनालाइज वेदर डेटा इज रिलायबल, उन्होंने फैक्टर्स दिए, उसका हमने शॉर्टकट दिया है। सीनियर एनसीसी कैडेट बोले कभी भी अगर आपको हेल्प चाहिए नेशन को तो किससे लेना चाहिए, एनसीसी, सब कुछ समझते हैं ना भाई एनसीसी, यस नो, तो हु आर रिलायबल, देखो रिलायबल वर्ड से शॉर्टकट जुड़ना चाहिए, हु आर रिलायबल, सीनियर एनसीसी कैडेट्स आर रिलायबल, लेट्स सी, एस स्टैंड फॉर डेटा रिलायबल है कि नहीं, सबसे पहले सीनियर एनसीसी कैडेट, तो एस स्टैंड फॉर सोर्स ऑफ डेटा, एक्सटर्नल अगर सोर्स है तो डेफिनेटली इट विल बी रिलायबल, एक्सटर्नल सोर्स होगा तो ज्यादा रिलायबल, देन रिलेवेंस ऑफ डेटा, रिलेवेंस मतलब भी सुटेबल, बहुत शॉर्ट छोटे इसमें लिखा है, रिलेवेंस मतलब भी क्या साहब, सुटेबल, फिर आपने देखना चाहिए रिलेवेंस ऑफ डेटा, सर रिलेवेंस ऑफ डेटा सुटेबल डेटा होना चाहिए, जैसे हम लोग कभी कभी फाइनेंशियल डेटा को बजट से कंपेयर करते हैं, बजट जैसा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो सवाल पूछते क्यों नहीं हुआ, क्यों आपके इनकम कम है, क्यों आपके एक्सपेंस ज्यादा है, वो सवाल पूछते हैं, यस नो, डेटा ऐसा होना चाहिए जो ठीक है प्रेजेंट सिचुएशन से ज्यादा से ज्यादा मैच करे, प्रेजेंट सिचुएशन से ज्यादा मैच करे। कंपनी के दो बजट्स है, एक है रियलिस्टिक बजट अगला साल कैसा होगा, और एक बजट है हाइपोथेटिकल, ऐसा कर दिया तो वैसा कर दिया तो, कौन सा ज्यादा सुटेबल है, रियलिस्टिक बजट, रियलिस्टिक बजट ज्यादा सुटेबल है, उससे कंपैरिजन करके मुझे समझेगा डेटा बराबर है कि नहीं, हाइपोथेटिकल बजट से मुझे कोई मतलब नहीं, उससे कंपैरिजन करके कुछ समझ में नहीं आने वाला, रेलेवेंट होना चाहिए डेटा, रेलेवेंट मतलब जितना क्लोज हो, जितना कंपनी के सिचुएशन से मैच करे उतना क्लोज वो डेटा होना चाहिए, रियलिस्टिक बजट इज वेरी क्लोज टू एक्चुअल डेटा, उससे कंपेयर करो, बात समझ रहे सब, यस नो, सो डेटा शुड बी रेलेवेंट, डेटा शुड बी रेलेवेंट, जैसे और एग्जाम्पल, इस साल कंपनी में एमैल्गमेशन हुआ, तो आप जिस चीज से कंपेयर कर रहे हैं वो भी दो कंपनी का एमैल्गमेटेड डेटा होना चाहिए, देन इट विल बिकम रेलेवेंट, अरे दैट इट विल बिकम रेलेवेंट, बात समझ रहे क्या साहब, इस साल कंपनी नया प्लांट डाला तो कंपैरिजन के लिए पिछला साल भी प्लांट वाला होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी
रेलेवेंट कंपनी के सिचुएशन से ज्यादा मैच होने वाला डेटा चाहिए, प्रेजेंट सिचुएशन. तो जो ज्यादा प्रेजेंट सिचुएशन से मैच होता है दैट इज रिलायबल. हु इज रिलायबल? सीनियर एनसीसी कैडेट. हु इज रिलायबल? सब जवाब देंगे सीनियर एनसीसी कैडेट. एस फॉर सोर्स ऑफ डेटा, कौन सा होना चाहिए? एक्सटर्नल होना चाहिए. आर फॉर रेलेवेंट होना चाहिए, क्लोज टू द सिचुएशन ऑफ द कंपनी, सुटेबल होना चाहिए. बहुत बढ़िया. देन एनसीसी, एन स्टैंड फॉर नेचर ऑफ डेटा. भाई साहब एक्चुअल डेटा इज ऑलवेज मोर रिलायबल. क्लास में कितने बच्चे काउंट करके हम लोग पता कर सकते हैं, दैट इज काउंटेड डेटा, एक्चुअल डेटा. कौन कितने देर सोया, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ये एस्टिमेट हो गया सब बराबर. कौन कितने देर सोया ये कंप्यूट करना बहुत ही मुश्किल है, ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल से एस्टिमेटेड डेटा. इट इज नॉट दैट रिलायबल, कॉमन सेंस है. एक्चुअल डेटा इज मोर रिलायबल देन, अरे एक्चुअल डेटा इज मोर रिलायबल देन एस्टिमेट्स. देन सी स्टैंड फॉर कंपेरेबिलिटी. अगर आप किसी दूसरे कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं तो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स और उसके कंपनी के प्रोडक्ट सेम होने चाहिए. अगर दूसरे कंपनी से, इंडस्ट्री से आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वैसे ही प्रोडक्ट दूसरी कंपनी बना रही है, इंडस्ट्री में वैसे ही प्रोडक्ट कंपनी इंडस्ट्री में बना रहे हैं, तो इट इज कंपेरेबल. तो एनालिसिस जो होगा बहुत रिलायबल रहेगा. आप एकदम हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई नहीं बनाता ऐसा, देन यू विल नॉट गेट द कंपेरेबल डेटा. आपको डेटा लेना पड़ेगा, उसमें से चीजें प्लस माइनस करनी पड़ेगी, उसकी इतनी रिलायबिलिटी नहीं होगी. बात समझ रहे? किसी और कंपनी का डेटा ले रहे हो तो इट शुड बी कंपेरेबल. इंडस्ट्री का डेटा ले रहे हो तो इट शुड बी कंपेरेबल. देन आखिरी में सी स्टैंड फॉर कंट्रोल्स. अगर इंटरनल डेटा है, क्या है साहब? इंटरनल डेटा. अगर इंटरनल डेटा है तो कंट्रोल्स विच आर यूज, कंट्रोल्स विच आर यूज, सिस्टम विच इज यूज, जो कंट्रोल यूज किया जा रहा है, जो सिस्टम यूज किया डेटा को जनरेट करने के लिए, वो रिलायबल होना चाहिए. सर मतलब, अरे इनका एम्प्लॉयज का डेटा क्या जबरदस्त डेटा है. एक एक एम्प्लॉय जब रिक्रूट करते तो उसके पूरे बायोमेट्रिक्स नोट करते और उसके बाद सिस्टम उसको कैप्चर करता. अटेंडेंस थंबप्रिंट से होता है और रेटिना स्कैन से होता है. जबरदस्त सिस्टम है टू कैप्चर द डेटा, टू स्टोर द डेटा, टू प्रोसेस द डेटा. कंट्रोल्स इतने स्ट्रांग है विच इंश्योर्स कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, एक्यूरेसी ऑफ डेटा, एंड डेटा इज वैलिड. किसी सही बंदे ने उसको अप्रूव भी किया हुआ है, ऑथराइज भी किया हुआ है. अगर ऐसा डेटा है तो वो ज्यादा रिलायबल होगा. अगर वो ऐसा डेटा तो क्या होगा सब? ज्यादा रिलायबल. दूसरी तरफ एक फटाफूटा रजिस्टर है, जिसके मन में आता है वो लिख के जाता है, हाईली अनरिलायबल. लेट्स फ्रीज गाइस. डेटा रिलायबल है कि नहीं है, शॉर्टकट था सीनियर एनसीसी. एस फॉर सोर्स ऑफ डेटा, कैसा होना चाहिए? एक्सटर्नल. आर फॉर रिलेवेंट, इट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू सिचुएशन ऑफ द कंपनी. सी स्टैंड फॉर इट शुड बी कंपेयर, सॉरी एन स्टैंड फॉर नेचर ऑफ डेटा, एक्चुअल डेटा इज मोर रिलायबल. सी स्टैंड फॉर इट शुड बी कंपेरेबल. सी स्टैंड फॉर कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर, अच्छा सिस्टम होना चाहिए, देन इट विल बी मोर रिलायबल. देखो साहब, 17 के मॉक टेस्ट पेपर में आया था और आखिरी बार नवंबर 15 एग्जाम में आया था, ठीक है. और मैंने और एक जगह जगह पे ऑथर्स नोट डाले हुए हैं. रिलायबिलिटी ऑफ डेटा पे क्वेश्चन आता है यही छापना. दूसरा एक्सटेंट ऑफ रिलायंस, एनालिटिकल प्रोसीजर पे भरोसा कितना करना, उसके लिए भी सेम आंसर है. एनालिटिकल प्रोसीजर को अप्लाई करने के लिए डेटा रिलायबल है कि नहीं, ये कैसे तय करना, यही फैक्टर्स है. और ओवरऑल एनालिटिकल प्रोसीजर रिलायबल है कि नहीं, ऐसा अगर सवाल पूछे तो यही आंसर है. दोनों का आंसर एक ही है, वो नोट डाला हुआ है, ठीक है. कम टू कॉन्सेप्ट नंबर 78. जितने क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं वो दिमाग में फिट करना है, आजू बाजू बाद में देखेंगे. नाउ लिसन, SA530 किसके ऊपर है? सैंपलिंग के ऊपर है. सुन लीजिए,
हम लोग सैंपल सिलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं, यस नो, उसमें हमको गलतियां मिलती है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते वक्त जो गलती मिलती है उसको डेविएशन बोलते हैं, कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया था, उसको क्या बोलते साहब, डेविएशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जब टेस्ट ऑफ डिटेल में गलती मिलती है उसको बोलते हैं मिस स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर गलत है। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में गलती मिली तो क्या बोलिए उसको, डेविएशन। और जब आपको टेस्ट ऑफ डिटेल में गलती मिले तो क्या बोलेंगे उसको, मिस स्टेटमेंट। अब यहां सवाल क्या है, जब आपको सैंपलिंग करने के सैंपल के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद जब गलती मिले तो सिर्फ अमाउंट पे ध्यान मत दो, डोंट जस्ट फोकस ऑन क्वांटिटी, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे पे ध्यान दो। तो पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे वहां पे आपको लिखना है, आपको ये बोलना है कि जब हम लोग सैंपलिंग करते हैं, सैंपल के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, हमको डेविएशंस और मिसस्टेटमेंट्स मिलते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में गलती डेविएशन बोला जाता है, टेस्ट ऑफ डिटेल में जब गलती मिलती है मिसस्टेटमेंट बोलते हैं, जब गलतियां मिलती है तो वी नो दैट क्वांटिटी ऑफ मिस्टेक इज इंपॉर्टेंट, यू शुड डेफिनेटली फोकस ऑन क्वांटिटी, गुड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड फोकस ऑन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब सर क्या होता है? तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब दो चीजें होती है, आइए, नेचर एंड कॉज। सिर्फ अमाउंट के पीछे दीवाने मत हो जाओ, जाके ये भी तो सोचो व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट, ये भी तो सोचो व्हाट इज द कॉज ऑफ द मिसस्टेटमेंट। मतलब वो एक एक बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटी के बारे में मत सोचो, किसके बारे में सोचो, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब क्या, फिर अगली बात, इट मींस नेचर ऑफ द मिस्टेक एंड कॉज ऑफ द मिस्टेक। नेचर मतलब क्या, आइए तीन नंबर पे, नेचर देखो, थ्री एंड फोर नेचर समझाते हमको, और पांचवा कॉज। नेचर समझो, कोई कॉमन फीचर है क्या गलती में, क्या है सर कॉमन फीचर है क्या? सर कॉमन फीचर मतलब क्या, आप देखो गलती में कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में गलती, यार जितनी भी गलतियां है ना सब ऑनलाइन सेल्स में, जितनी भी गलतियां है सब ऑनलाइन सेल्स में, मुझे कोई कॉमन फीचर पैटर्न नजर आ रहा है, सिर्फ ऑनलाइन सेल में गलतियां नजर आ रही है, वो भी ऑनलाइन सेल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में गलती नजर आ रही है, एक काम कर 100% सिलेक्ट कर ले। तो आप दिमाग लगाओ, दिमाग थोड़ा ओपन बोले, होशियार रहो, अगर आपको दिख रहा है कोई कॉमन फीचर है क्या, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में गलती है, या पर्टिकुलर प्रोडक्ट में गलती है, पर्टिकुलर ब्रांच में गलती है, पर्टिकुलर मंथ या सीजन में गलती है, सोचो तो सही। मेरे दिमाग में आता है भाई भाई ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के नीचे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के नीचे कोई ब्रांच है, ब्रांच के नीचे कोई टाइम पीरियड है, वहां पे गलती हो रही है, उसको बोलते हैं कॉमन फीचर्स। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन फीचर। कोई कॉमन पैटर्न या फीचर है क्या वो समझो, और अगर कोई कॉमन पैटर्न या फीचर मिलता है उसको पकड़ो। एक काम करो, ऐसे जितने भी फीचर वाले जितने ट्रांजैक्शन होंगे उसको पूरा 100% चेक कर डालो, क्योंकि पैटर्न बन रहा है और अनडिटेक्टेड गलतियां आपको मिल जाएगी। तो बोले दिमाग लगाओ, नेचर ऑफ द गलती समझो, कॉमन फीचर या पैटर्न वाली गलती है क्या, और नेचर में समझो, और नेचर में आपको समझना है, इज इट अ एनोमली, इज इट अ एनोमली, एनोमली है क्या, एनोमली मतलब, एनोमली मतलब ऐसी गलती विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिपीट अगेन एंड अगेन, जो बार बार रिपीट होने वाली नहीं है, ऐसे गलती को हम प्रोजेक्शन में यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि कैश पेमेंट एक वाउचर है, उस पे पर्पस लिखा नहीं है, अप्रूवल की सिग्नेचर नहीं है, रिसीट की सिग्नेचर नहीं है, कैशियर पे हम बहुत ज्यादा चिल्ला उठे हैं। कैशियर बोलता है, बोल दिया आपने, बोले एक तो बदतमीजी कर रहे हो, बोले देखो वहां पे थोड़ा दूर एक आदमी बैठा है ब्लैक चेयर पे ग्रीन कलर का शर्ट पहन के, क्या मजाक लगा रखा है, अरे देख रहे हैं आप सब, उसको हार्ट अटैक आया था,
हमने उसको बचाया, कैशबॉक्स से 50,000 रुपये निकाले बिना किसी के परमिशन के, एंड वी सेव्ड हिम। क्या करना चाहिए था आपके हिसाब से हमें? और वो 50,000 रुपये इंश्योरेंस के उसको पैसे मिल रहे, रिसेबल की अकाउंटिंग एंट्री पास की हमने, माना गलती है बट इट वॉज अ इमरजेंसी सिचुएशन, दिस डजेंट हैपन वेरी ऑफन, इट हैपन, हुआ ऐसा, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिपीट अगेन एंड अगेन। ऐसी गलती को मैं प्रोजेक्शन, सैंपल में गलती निकालने का हम क्या करते, प्रोजेक्शन, सैंपल में इतना तो पॉपुलेशन में कितना उसको छोड़ दिया जाएगा, इट विल बी इग्नोर्ड बिकॉज नेचर इट इज एनोमली। बात समझ रहे क्या साहब? यस नो? ठीक है, एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया था, टेम्पररी स्टाफ रखा था, वो टेम्पररी स्टाफ की वजह से गलती हुई, पूरे साल भर में एक ही बार टेम्पररी स्टाफ रखा है, इट इज नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन। एनोमली क्या वो समझो, और आखिरी में कॉज, इज इट इंटेंशनल? इफ इट इज इंटेंशनल, अगर फ्रॉडुलेंट इंटेंशनल है तो आपको बहुत ही केयरफुल हो जाना पड़ता है, क्योंकि इंटेंशनल है तो हो सकता है इट विल रिपीट, वो रिपीट भी हो सकता है और उसको कंसील किया जाएगा, उसके रिपीटेशन हो सकते हैं, उसको कंसील किया जाएगा, उसको पकड़ना मुश्किल है। और अगर ऐसा है, जिस आदमी पे शक है उससे मिलने वाली हर जानकारी को 2 बार 3 बार स्क्रीन किया जाएगा, एक्सटर्नल एविडेंस से मैच किया जाएगा, इट हैज इम्प्लीकेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट इफ इट इज इंटेंशनल। इंटेंशन है तो वो आदमी से मिलने वाली सभी जानकारी पे डाउट क्रिएट किया जाएगा, उसको कहीं ना कहीं से मैच किया जाएगा, और अगर उसके तार मैनेजमेंट से जुड़ गए, अरे बेटा अगर मैनेजमेंट पे डाउट आ गया बहुत बड़ा, तो विड्रॉल के बारे में सोचा जाता है। भाई साहब कॉज समझो, इफ इट इज इंटेंशनल इट कैन हैव अ वाइडर इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट। अगर इंटेंशनल है तो पहले वो बंदे को क्रॉस करते, तू बैड बुक्स में आ गया बेटा, जैसे बॉस कभी कभी लाता ना बैड बुक्स में, पंगा लिया अब दंगा होगा, आ जा तू बेटा बैड बुक्स। और अगर उसके तार जुड़े मैनेजमेंट से तो पूरा मैनेजमेंट आ गया बेटा बैड बुक्स, तुम सब बुरे हो तो मैं क्यों, क्या मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बाय बाय, विड्रॉ फ्रॉम दी असाइनमेंट। तो यहाँ पे समझाना है क्विकली इसको, अगर सैम्पलिंग में आपने सैंपल के ऊपर क्या अप्लाई किया, ऑडिट प्रोसीजर, क्वांटिटी के साथ साथ किस पे ध्यान देंगे, पॉइंट नंबर वन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटी मतलब क्या, दो चीजें, नेचर एंड कॉज। नेचर में क्या समझे, कॉमन पैटर्न है क्या, या फिर वेदर देर इज अ कॉमन पैटर्न, कॉमन पैटर्न, या फिर वेदर इज अ एनोमली। और कॉज में देखेंगे इज इट इंटेंशनल और अन इंटेंशनल। बात समझिए सब, आइए कॉन्सेप्ट नंबर 81। कॉन्सेप्ट नंबर 81, 540। आप ऑडिट करने गए तो आपने, ऑडिट करने गए तो आपने एस्टीमेट्स, आपने एस्टीमेट की कौन सी जानकारी को इकट्ठा करना चाहिए, व्हाट इंफॉर्मेशन यू शुड कलेक्ट अबाउट एस्टीमेट्स, एस्टीमेट्स की क्या जानकारी को आप इकट्ठा करें, कौन सी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। बोले आसान है, देखो कई, मतलब लास्ट टाइम इट वाज आस्क्ड वाज मई 11 एग्जाम्स, तब से तड़प रहा है ये क्वेश्चन, अब तो कोरोना भी आ गया, बोले तो आ जा बोले। एंड मई 18 के मॉक में इसको लास्ट टाइम जगह दी गई थी, ठीक है, ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। या तो यही आना है, यही आना है, बेस्ट छाप के जाना है, ठीक है, नहीं आया तो इससे थोड़ा मिलता जुलता आना है, फिर भी छाप देना है। थे हो क्या, तूने क्या पूछा है बाजू में रख मुझे क्या आता है, अपन लिखते और खत्म कर डालते, नहीं ठीक है, वो ये सब बाद में आखिरी में रहता है। और एंड आई हैव सीन, मेरा तो क्योंकि काफी सारे इस बार तो बहुत नाराजी वाली बात है, अभी तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं उतरी है मार्केट में, सर्टिफाइड
सजेस्टेड आंसर ही नहीं उतरे, हद ही हो गई, पगला गई है इंस्टीट्यूट, मैड है। ठीक है जाने दो, लेट्स डू समथिंग विच इज इन आवर हैंड्स। 10,000 लोगों को सीए बना रहे, सब बाकी सब छोड़ो, वो 10,000 में अपन आ जाओ, खत्म करो नाउ। तो मेरा ये देखना मान देखा है मैंने कि ऑडिट में बता रहा हूँ, बहुत सारी सर्टिफाइड कॉपीज हमने, सर्विस भी होती है सर्टिफाइड कॉपी इवैल्यूएशन, एक सीए को बिठाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं पहले पेपर में, फिर वो एक एक लाइन पढ़ता है बच्चों के पेपर का, फिर उसमें कमेंट डालता है क्या सही था क्या गलत किया तूने। तो 99.99 इसमें इंस्टीट्यूट ज़्यादा मार्क्स देता है, ज़्यादा मार्क्स देता है, बाकी सब चीज़ें होंगी मैं मानता हूँ गलत है सो है, 99% जितनी हमारे पास सर्टिफाइड कॉपीज आई है क्वेश्चन पूछा है ए, बच्चे ने लिखा है जेड। अच्छा जेड इंडिपेंडेंटली इज अ करेक्ट कॉन्सेप्ट, इट इज अ करेक्ट कॉन्सेप्ट बट इट इज नॉट अ रेलेवेंट कॉन्सेप्ट, तो भी इंस्टीट्यूट चार में से एक नंबर तो दे ही देती है, एक नंबर दे दिया बराबर। तो 25% अगर आप क्वेश्चन लिखो तो 25-40% अगर आपने कॉन्सेप्ट सही लिखा, माना परफेक्ट मैच नहीं हो रहा लेकिन कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंटली स्टैंड अलोन इज करेक्ट, तो 25-40%, इसलिए पेपर कंप्लीट करना ही चाहिए। ठीक है ध्यान देंगे, भावुक हो गए। अब ऐसे 540 में उन्होंने बोला है कि क्या जानकारी इकट्ठा, अरे बहुत ही बढ़िया सिंपल, कंपनी में जाओ, कंपनी के सीएफओ को बोलो साहब एस्टीमेट्स ना, एस्टीमेट्स की जानकारी लेनी है, एस्टीमेट्स की जानकारी लेनी है, बहुत क्रूशल मामला है, क्या छोटे मोटे लोगों को इन्वॉल्व करना, तुम ही हो एक नॉलेजेबल आदमी कंपनी में, बाकी तो सब टाइम पास है, आपको ही पता मेरे को ही पता, करेक्ट मनी मन तू ही सबसे बड़ा टाइम पास है मेरे को पता ले मिलो। तो पहले जाके बहुत आसान, पहले हमको कंपनी में ओवरऑल जो एस्टीमेट्स है उसकी दो बातों की जानकारी चाहिए सर। ना पहला, आप आपके कंपनी में कैसे आइडेंटिफाई करते हो कौन से सर्कमस्टांसेस में, कौन से सिचुएशंस में एस्टीमेट्स की जरूरत है और कौन से एस्टीमेट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। तो बोलता है इजी है ना साहब, हमने एक IITian ने उसको समझाया, वो हमारे पूरे प्लांट्स देखता है, हमारे प्लांट्स और मशीनरी देखता है, एवरी क्वार्टर ही गिव्स अ रिपोर्ट विच एस्टीमेट्स, उसके पास चेकलिस्ट है, हर क्वार्टर में रिपोर्ट देता है कौन से एरियाज में एस्टीमेट्स लगेंगे, मैंने एस्टीमेट्स बनाए ऐसे बनाए और कौन से एस्टीमेट्स रिविजन की जरूरत है, रिवाइज एस्टीमेट। एक IITian इंजीनियर को अपॉइंट किया है टेक्निकल एस्टीमेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए और रिवाइज करने के लिए, बहुत बढ़िया। एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है सारे वो कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़कर कहाँ कहाँ एस्टीमेट्स लगेंगे और कहाँ पे रिवीजन लगेगा, बहुत बढ़िया। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस है इन्वेस्टमेंट्स मेड जिसके हमको नए एस्टीमेट्स बनाने पड़ेंगे उसके लिए, बोले बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। हम ये समझना चाहते थे कि आपके कंपनी में हाउ यू आइडेंटिफाई सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस वेयर एस्टीमेट्स आर रिक्वायर्ड एंड वेयर रिविजन ऑफ एस्टीमेट्स आर रिक्वायर्ड। पहले देखो लिखा है मैंने, ठीक है पहले लिखा है मुद्दे की बात, यहां पे तो वही कॉमन चीज लिखी है बार बार, जब 315 में एंटिटी को समझ रहे हो तो 540 के हिसाब से भी थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। क्या जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पहले, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपने इकट्ठा करनी चाहिए, उसमें भी मैंने आपको पहले बताया आइडेंटिफाई कैसे करते हो, हाउ यू आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो, और दूसरा सेकंड, ठीक है दूसरा, आपके कंपनी में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कौन से स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, भाई AS2 लगता है कि AS15 लगता है कि AS19 लगता है कि 26 लगता है कि 28 लगता है, क्या लगता है बता दीजिए,
ताकि मैं उसका नॉलेज ब्रशअप कर लूँ, उसकी चेकलिस्ट का प्रिंटआउट ले लूँ और किसी टीम के बंदे को जिम्मेदार बना दूँ। जानकारी इकट्ठा करना है पहले, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, हाउ यू आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस विच नीड एस्टिमेट एंड दे नीड रिविजन, एंड सेकेंड, ठीक है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं। मिल गई मुझे जानकारी, बहुत बढ़िया। अब ये, अब जो स्पेसिफिक जो शुरू हो रहा है, अब यहां पे शुरू होता है स्पेसिफिक। अब एक एक एस्टिमेट के अंदर हम लोग डुबकी लगाएंगे, एक एक एस्टिमेट में हम लोग जाएंगे। पहले ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग थी, पहले कह रही साहब ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, फिर एक ही एग्जाम्पल, क्या बार बार एग्जाम्पल चेंज करना, एक ही एग्जाम्पल हमने वापस, प्रोविजन फॉर पेंशन, प्रोविजन फॉर पेंशन हम लोगों ने बोला था 1% सैलरी फॉर ईच ईयर कंप्लीटेड, 1% सैलरी फॉर ईच ईयर कंप्लीटेड, है ना, ऐसा एग्जाम्पल लिया था ना, फॉर नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड उसके हिसाब से, और आप जब तक आपके कोई भी स्पाउस जीवित है हम लोग पेंशन पे करेंगे विथ मेडिकल कॉस्ट। अब स्पेसिफिक एस्टिमेट में जाओ, इस एस्टिमेट को कंप्यूट करने का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है बता दो। बोले हमारे यहां पे दो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है कि वो पेंशन का प्रोविजन कंप्यूट करे क्वार्टरली बेसिस पे, दोनों लोग इंडिपेंडेंटली निकालते हैं कितना होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली कितना होना चाहिए प्रोविजन फॉर पेंशन मेरे पास लाते हैं और फिर मैं तय करता हूं एज ए सीएफओ क्या सही है। ये रेलेवेंट कंट्रोल है, बहुत बढ़िया। एक्सपर्ट वंस इन थ्री इयर्स, 3 साल में एक बार एक्चुअरियल वैल्यूएशन कराते हैं, बहुत बढ़िया। क्या सिस्टम है, सिस्टम में एक्सपर्ट की भी मदद लेते हो, मेथड कौन सा यूज करते हो, कौन सा मॉडल है आपका प्रोविजन फॉर पेंशन, ठीक है। बोले दो मेथड अलाउड है, एक है पीयूसी मेथड, प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड, एफआर में पढ़ते, यस नो, यस नो, पहले प्रोजेक्ट करो कितना आउटफ्लो होगा, फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू और पूरे साल पे आप क्या करो डिस्ट्रीब्यूट, यस नो, पहले प्रोजेक्ट करो कितना कैश आउटफ्लो, फिर कौन से साल का कितना उसका क्या निकालो प्रेजेंट वैल्यू। पहले कॉरिडोर मेथड भी था, क्या था साहब, कॉरिडोर मेथड। देखो चीजें को कंप्यूट करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, जैसे अगर मेरे को ऑब्सोलीट गुड्स निकालना है, क्या निकालना है, ऑब्सोलीट गुड्स, इंजीनियर का इवैल्यूएशन ये भी एक मेथड है, जो प्रोडक्ट 12 महीने से नहीं बिका ये भी एक मेथड है, करेक्ट। दो अलग अलग मेथड है, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं वो मेथड समझो, फिर उसमें आपके डेटा एंड अजम्पशंस, आपके डेटा एंड अजम्पशंस देखो बहुत आसान है, करेक्ट। पहले आपको समझना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है। इंडिविजुअल क्या समझना साहब, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, सिस्टम कैसा है पेंशन कंप्यूट करने का सिस्टम, बोले क्वार्टरली चार्ट अकाउंटेंट, बोले बहुत बढ़िया। साथ में क्या यूज हो रहा है, क्या एक्सपर्ट यूज हो रहा है, क्या बोले चलो समझ लिया आपका सिस्टम क्या एक्सपर्ट है कि नहीं, कोई भी कंप्यूटेशन करना है, कोई भी कंप्यूटेशन करना है, तीन बातें कॉमन होती है, आप वहां पे लिख सकते हैं, डेटा, पहले सिस्टम समझा, एक्सपर्ट का यूज, डेटा, अजम्पशंस एंड मेथड्स, ठीक है आएगा डेटा। बहुत ही सिंपल, कंट्रोल्स क्या है, एक्सपर्ट का यूज हो रहा है, डेटा अजम्पशंस एंड मेथड्स, कॉमन चीज है एकदम, ये पहली बार नहीं पढ़ रहे, एक्सपर्ट में भी आया था। कोई भी कॉम्प्लिकेट कंप्यूटेशन करना है यू नीड थ्री थिंग्स, यू नीड अ डेटा, यू नीड अजम्पशंस एंड यू नीड मेथड्स, तो उसकी जानकारी ले लो। ठीक है, ट्रांजैक्शन इवेंट्स एंड कंडीशन, ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन इवेंट्स और कंडीशन है जहां पे आपको क्या लगेगा सब, ठीक है सर, लिस्ट शायद अंदर रहेगी, वो लिस्ट लेके आइए, फिर मार्क करके डिस्ट्रीब्यूट करना। Now, वहां पे और एक चीज दी है, सुनिए, किसकी जानकारी इकट्ठा करना है सर,
एस्टिमेट्स की, अरे कौन सा ऐसे पढ़ रहे हैं, 540 किसे डील करता, एस्टिमेट्स, उसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, पहले कौन सी जानकारी, ओवरऑल आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, और फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फिर कौन सी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक में आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, एक्सपर्ट आपका कौन सा है, और तीन कॉमन चीजें कौन सी, सब जवाब दें कौन सी, डेटा और अजम्पशंस और मेथड्स। अब कुछ एडिशनल बातें और दो और सिंपल बातें, हम ये देखना चाहते हैं, हम प्रायर पीरियड, जो प्रायर पीरियड है करेक्ट, प्रायर पीरियड के एस्टीमेट्स को रिव्यू करना चाहते हैं, क्या बोला सर, प्रायर पीरियड के एस्टीमेट्स को रिव्यू करना चाहते हैं, पिछले साल जो एस्टीमेट्स हमने बनाए थे, पिछले साल जो एस्टीमेट्स हम लोगों ने बनाए थे, पिछले साल एस्टीमेट्स बनाए थे वो इस साल वैसा एक्चुअल हुआ क्या, इसकी जानकारी आपने इकट्ठा करनी, यू शुड रिव्यू प्रायर पीरियड एस्टीमेट्स, यू शुड रिव्यू प्रायर पीरियड एस्टीमेट्स, सुपर्ब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सुपर्ब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उससे समझेगा कि जैसा मैनेजमेंट सोचता है वैसा सही में होता है कि नहीं होता है, बराबर, वैसा सही में होता है कि नहीं होता है, वो हमको समझ में आएगा, रिव्यू प्रायर पीरियड एस्टीमेट्स, ठीक है, लिसन गाइस, पिछले साल का एस्टीमेट रिव्यू करके बहुत फायदा होगा, ये समझेगा मैनेजमेंट का प्रोसेस बराबर है कि नहीं, ये भी समझेगा कि एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कितनी है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, मैनेजमेंट ने पिछले बार ही बोला था, मैनेजमेंट ने पिछले बार बोला था, ये जो लिटिगेशन का आउटकम है ना, ये 10 लाख से 80 लाख भी हो सकता बोले, और बराबर 80 लाख पे गया इस बार, इससे ये भी समझ में आता है कि एस्टिमेशन अनसर्ट, कभी कभी मैनेजमेंट का मेथड सिस्टम सही था लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर ही ऐसे थे कि अमाउंट बहुत ज्यादा बदल गया, ध्यान से सुनो, अब जब एस्टीमेट का एक्चुअल अमाउंट बहुत ज्यादा वैरी कर सकता है एस्टीमेटेड अमाउंट से, उसको बोलते हैं एस्टीमेशन अनसर्टेनिटी, जब एस्टीमेट का कौन सा अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट बहुत ज्यादा वैरी कर सकता है, कौन से अमाउंट से, एस्टीमेटेड अमाउंट से, उसको बोलते हैं एस्टीमेशन अनसर्टेनिटी, तो रिव्यू करो प्रायर पीरियड एस्टीमेट्स को, सिस्टम्स को समझो, और ये भी समझो कि एस्टीमेशन अनसर्टेनिटी कितनी है, अगली बार से हमने रूल बना लिया भाई, इनके जितने भी लिटिगेशन है उसमें एस्टीमेशन अनसर्टेनिटी ज्यादा है, क्यों ये काम का पता है, अरे जो एस्टीमेशन में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है उसमें टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जिस एस्टीमेट में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है, उसको ज्यादा चेक करो, जो एस्टीमेट बड़ी मुश्किल से 5 लाख, नहीं तो 5 लाख 10 हजार, इसमें ही झूलता रहता है, उसमें चेक करके क्या कर लोगे, जहां पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, उसको अच्छे से चेक करो, वहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है, इस पॉइंट के लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर, क्यों इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेट का कोई भी सवाल आता है इसके बहुत सारे पॉइंट रेलेवेंट है, एस्टिमेट का अगर आपको ऐसा लगा कि कोई मुझे अब और कोई सवाल नहीं आ रहा, जय माता दी, अब आपको बताता हूं, एक लाइन अगर ऐड करूंगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर, हाउ टू चेक एस्टिमेट्स, बस यही सारी इंफॉर्मेशन को चेक करना आंसर बन जाता है, रिस्पॉन्स टू रिस्क, बाप रे क्या बोला मैंने, रिस्पॉन्स टू रिस्क, मैनेजमेंट ने बराबर ओवरऑल आइडेंटिफाई की के सर्कमस्टांसेस चेक, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो किया गया चेक, इंडिविजुअल एस्टिमेट में कंट्रोल्स बराबर है क्या चेक, एक्सपर्ट की रिपोर्ट बराबर है एज पर चेक, उसका डेटा अजम्पशन और मेथड बराबर है चेक कर लो, प्रायर पीरियड को रिव्यू करके जो जानकारी मिली उसको यूज कर लो, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होंगी तो चेकिंग ज्यादा कर लो, इसी से और एक आंसर बनता है कॉपी पेस्ट, अरे समझ रहे क्या, लेट्स फ्रीज, ध्यान देंगे, कौन सा ऐसे पढ़ रहे, कौन सा पढ़ रहे, ऐसे 540, उसमें हम लोग पढ़ रहे कौन सी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, सब जवाब देंगे, पहले जानकारी लेंगे किसकी, ओवरऑल, उसमें भी दो बातें, पहले हाउ दे आइडेंटिफाई और दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फिर किसमें जाएंगे स्पेसिफिक, उसमें हम जाएंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम,
और क्या समझेंगे? एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट, कौन सा एक्सपर्ट है? फिर तीन चीजें, डेटा, अजम्पशंस एंड मेथड्स, एडिशनल जानकारी, रिव्यू ऑफ प्रायर पे अंडरस्टैंड प्रायर पे आइटम्स एंड अंडरस्टैंडिंग एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। ठीक है, और मैंने बोला इसी से दूसरा आंसर बनता है, जानकारी इकट्ठा करो, और किसी ने बोला हाउ टू चेक, बस यही चीजों को चेक करना दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। ओके, आ जाओ भाई, अति अति प्रिय, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी टपकने की। ओके जिनके पास सभी किताबें नहीं है, हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो हेलो, ध्यान देंगे। अब इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन मई 19 के आरटीपी में है, कॉन्सेप्ट नंबर 81.20, जो लोगों के पास में परम का पुराना एडिशन है, ठीक है, उसमें भी होगा। अगर किसी में नहीं मिला तो मैंने बोला साइट पे डाउनलोड सेक्शन में अपडेट्स है, अपडेशंस, वो डाउनलोड करके प्रिंट आपको करना पड़ेगा। ध्यान देंगे, देखिए स्टैंडर्ड्स आर ह्यूज। अब स्टैंडर्ड्स के अंदर इंस्टीट्यूट के जो रीसेंट क्वेश्चन है वो समझाते हैं कि इंस्टीट्यूट के रडार पे क्या क्या बैठा हुआ है। तो इंस्टीट्यूट के रडार पे अभी नया क्वेश्चन आया है, अभी मैंने जब मैं आपको समझा था SF 514 पहला सवाल था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर एस्टिमेट,
क्या बोला साहब? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर एस्टीमेट, क्या जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए एस्टीमेट्स की, जो हमने समझा उसको काफी बार रिपीट भी किया क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है। पहले ओवरऑल जानकारी, फिर स्पेसिफिक जानकारी लो, खत्म करो। उसमें भी कुछ एडिशनल बात थी, तो आपके दिमाग में ओवरऑल के पॉइंट्स आने चाहिए, स्पेसिफिक के पॉइंट्स आने चाहिए और कुछ एडिशनल ऐसे पॉइंट दिमाग में बैठने चाहिए। नाउ अब इंस्टीट्यूट एक कदम और आगे चला गया। ऐसा है साहब, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, लेकिन मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ह्यूज है, लेकिन इंस्टीट्यूट कोई भी नया सवाल पूछता है 90% प्रोबेबिलिटी है कि उसने ये क्वेश्चन किसी ना किसी अपने एमटीपी आरटीपी में घुमाया होगा। तो मे 19 आरटीपी ऐसा क्वेश्चन जो पहले किसी एग्जाम में नहीं आया, किसी एमटीपी में नहीं आया, ना प्रैक्टिस मैल में था ना स्टडी मटेरियल में था, करेक्ट। अब उन्होंने सवाल ये पूछा है कि भाई साहब आप ये जो रिव्यू ऑफ प्रायर पीरियड एस्टिमेट्स होता है ना, यू शुड रिव्यू आउटकम ऑफ प्रायर पीरियड एस्टिमेट, यू शुड रिव्यू आउटकम ऑफ प्रायर पीरियड एस्टिमेट, इसके बारे में जानकारी दो। ऐसा से केस, ऐसा केस बनाया, बोलने के लिए केस होता है, ऐसा केस बनाया कि हम मैनेजमेंट के पास गए और मैनेजमेंट को बोला पिछले साल के एस्टीमेट्स बताइए कौन से थे। उन्होंने बताया मैनेजमेंट ने कि पिछले बार हम लोगों ने बड़े बड़े 15 सिग्निफिकेंट एस्टीमेट किए थे। हमने उनको बोला अब ये बताइए इस साल उसका एक्चुअल आउटकम क्या है, या फिर इस साल उसका पेमेंट नहीं हुआ तो कोई री एस्टिमेशन किया है क्या, कोई री एस्टिमेशन मतलब आपने एस्टिमेट को बदला है क्या, समझ रहे क्या सब? मैनेजमेंट के पास गए और उनको बोला हमको रिव्यू करना है आउटकम ऑफ, सब जवाब देंगे हमको रिव्यू करना है आउटकम ऑफ प्रायर पीरियड एस्टिमेट, ठीक है। सुनो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ सुनाना चाहिए लेकिन स्टैट्यूटरी वार्निंग है, करेक्ट। जिनको पहले तो पता होगा पोपट नहीं करेंगे, ठीक है। मैं कभी कभी टू किल वन फ्रस्ट्रेशन यू नीड वन मोर, उसको नाम भी मैंने दिया जहर, करेक्ट। तो एक सुना देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के पहले सुना, माइंड फ्रेश हो जाना चाहिए, इतना फ्रेश हुआ था, ठीक है। चलो मैं आपको बताऊँ, तो मैंने बोला किसी को पता होगा तो पोपट नहीं करेंगे, किसी को एग्जाम्पल लेंगे हम लोग क्लास में। सर आपका नाम? सर हाँ अब्दुल, तो अब्दुल सर हमारे होनहार बुद्धिमान शक्तिमान, क्या एक बार तारीफ कर देना फिर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सर तीर्थ यात्रा पे रिलीजियस इस पे जा रहे हैं और एक और नंगे पांव जा रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ा टनल है, इट्स कंप्लीटली डार्क और वहां पे कांच है, वहां पे बिच्छू है, वहाँ पे कांटे है, पत्थर है, एंड पूरा डार्क, पूरा अंधेरा है। अगर वो इस पे गए तो इज गोइंग टू ब्लीड अ लॉट और सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब उनको ये क्रॉस करना है, आसपास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने पहली बार जिनको बताऊंगा पोपट नहीं करेंगे, उनको क्रॉस करना है, सिर्फ एक थोड़े से पैसे खुद के पास है तो एक 10 रुपए का नोट है। अब उनको क्रॉस करना है, ठीक है। ये हायर लेवल ऑफ जहर है, घर पे जाके घर वालों को मत सुनाओ, वो बोलेंगे बेटा बहुत होगी पढ़ाई, तुम्हारा मानसिक संतुलन आजकल बिगड़ रहा है। कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं, कोई रहते हैं हॉस्टल, हॉस्टल पीजी, वहां जाके मत सुनाओ, लोग तुमको पीटेंगे। मेरे को तो नहीं पीटते, प्रोफेसर समझ के छोड़ देते हैं, करेक्ट। हमें भी छोड़ देंगे, ऐसा होता नहीं है। नहीं, बच्चे आके बोले सर मैं पिटा आपकी वजह से, मतलब क्यों सुनाया वहां जाके, और सुनने के बाद खुद का मानसिक संतुलन भी संभाल ले। अब कैसे क्रॉस करेगा सवाल है, अब्दुल क्रॉस कैसे करेगा?
हाँ पता है उसको, उसको पता है कि ट्रेन बहुत खतरनाक है, उसको पता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई पान ठेला है, हैप्पीडेंट खा के लाइट जल जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाप रे, बोले अगर वो होता ना तो तुम्हारा खून होता, बोले भैया पे शक्तिमान नहीं, वो तो ऐसा उड़ के चला जाएगा। नहीं, अगर उसके ऊपर चढ़ते तो टनल बनाती क्यों फिर? चलो अब मैं बता रहा हूं, कमजोर दिल वाले नहीं सुनेंगे, कान बंद कर लेंगे, जो सह सकते हैं वही। अरे बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान है। वो अंगूठा लेगा, एक अंगूठा लेगा, वो अंगूठे को कट करेगा, वो अंगूठे को कट करेगा, ठीक है, उसमें से खून निकलेगा, खून निकलेगा तो 10 रुपए के नोट पे पूरा लगा देगा आगे पीछे से, डन। नाउ ही कैन क्रॉस, क्योंकि अब वो लालटेन बन चुका। अच्छा कुछ लोग, अच्छा कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग एक बार हंसते क्योंकि आजू बाजू वाले, मैं हंसता थोड़ा बहुत तो उनको समझता नहीं। दूसरे बार वो फिर हंसते, अबे अब समझा मेरे को। तीसरे बार घर जाके हंसते, भी मेरे को नहीं समझा था। और कुछ तो सोचते हंसू कैसे, बोले बराबर, चलो ध्यान देंगे। फिर जहर था, जहर, बोले किसने बोला हो गया, ठीक है ध्यान दे। नाउ वन वन, यहां पे आप अंडरलाइन करते आएंगे मेरे साथ। पहला पॉइंट, एज पर SA 540, इट इज मैंडेटरी कंपलसरी दैट ईच एंड एवरी ऑडिटर शैल रिव्यू द आउटकम ऑफ प्रायर पीरियड एस्टीमेट। चेक प्रायर पीरियड एस्टीमेट का इस साल क्या हुआ, एक्चुअल आउटकम आया तो कितना आया, नहीं आया तो क्या उसका अमाउंट री एस्टीमेट किया गया, ये रिव्यू करना मैंडेटरी है। वो आपको लिखना है पॉइंट नंबर वन। सेकेंड, कितनी चेकिंग करोगे, नेचर ऑफ चेकिंग एंड एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, कि कितनी ज्यादा चेकिंग करोगे, दैट डिपेंड ऑन सरकमस्टांसेस। अगर हमको पता चलता है, दैट डिपेंड ऑन सरकमस्टांसेस, इफ वी कम टू नो, ठीक है, कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, भयंकर बड़ा डिफरेंस है एस्टिमेटेड अमाउंट में और एक्चुअल आउटकम में, तो हमको चेकिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर हमको पता चला जो एस्टीमेट पिछले साल था वैसा ही एस्टीमेट करंट ईयर में भी है, फिर तो मैंने पक्का उसको स्टडी करना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि इस साल कैसे चेक करूं। डिफरेंस बड़ा है तो मेहनत ज्यादा, इस साल के लिए रेलेवेंट है तो मेहनत ज्यादा। समझ रहे साहब? यस नो? तो नेचर एंड एक्सटेंट विल डिपेंड ऑन सरकमस्टांसेस, कि बहुत बड़े डिफरेंसेस आ रहे हैं करंट ईयर के लिए रेलेवेंट है क्या उस पे। अब वो समझा रहे आपको, पहले तो चेक रिव्यू करना मैंडेटरी है, नेचर एंड एक्सटेंट विल डिपेंड ऑन सरकमस्टांसेस, डिफरेंसेस बहुत बड़े हैं, इस साल के लिए रेलेवेंट है तो मेहनत ज्यादा करेंगे। इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इससे समझ में आएगा। नंबर वन, इससे हमको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट का जो एस्टीमेट कंप्यूट करने का प्रोसेस है वो रिलायबल है कि नहीं है, इज इट इफेक्टिव। अगर जैसा पिछले साल सोच रहे थे वैसा ही इस साल हो रहा है और पिछले 3 साल से हो रहा है, तो हम लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट का जो मेथड है, मैनेजमेंट का जो तरीका है, वो सुपर्ब है, परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया है। दूसरा, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है भाई साहब, तो बेकार है। हर बार बोलते हैं कि होता कुछ और है। ऐसा करने से समझ में आएगा उनका सिस्टम कितना अच्छा है।
दूसरा, ऐसा करने से हमको ऑटोमेटिकली हमको सबूत मिल जाएगा री एस्टिमेशन का। इस साल सपोज एस्टिमेट का अमाउंट बदल गया, एस्टिमेट का अमाउंट बदल गया, हम लोगों ने पिछले साल हमने इम्पेयरमेंट किया था, इस साल इम्पेयरमेंट का अमाउंट बदल गया, उसकी एंट्री पास हुई, तो एंट्री पास हुई उसके सबूत लेने पड़ेंगे ना। यस नो, कोई भी एस्टिमेट चेंज होता है तो उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या चाहिए? सबूत। रिव्यू करने से ऑटोमेटिकली आपको री एस्टिमेशन के सबूत मिल जाते हैं कि री एस्टिमेशन बराबर था कि नहीं था, उसके सबूत मिल जाएंगे। बोले बहुत ही बढ़िया, उसके सबूत आपको मिल गए। पहला एडवांटेज क्या है? उनका प्रोसेस कितना इफेक्टिव है वो समझ में आ गया। री एस्टिमेशन के सबूत ऑटोमेटिकली मिल गए, जितने भी री एस्टिमेशन थे वो मिल गए। तीसरा, इससे ये भी समझता है, अच्छा बहुत सी बार प्रोसेस एकदम सही थी लेकिन क्या करेंगे, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है उसमें फ्लक्चुएशंस ज्यादा है। कभी कभी हमको ये भी समझ में आता है मैनेजमेंट का सिस्टम सही था फिर भी डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। उसको हम मार्क करते हैं हाई अनसर्टेनिटी एस्टिमेट्स। जहां पे अनसर्टेनिटी हाई होती है वो रिस्की एस्टिमेट्स बन जाते हैं। ये तीनों जानकारी हमको समझेगी। नंबर वन समझेगा वेर द प्रोसेस इज इफेक्टिव, वेर द प्रोसेस इज इफेक्टिव विल गेट एविडेंस अबाउट री एस्टिमेशन, विल ऑल्सो अंडरस्टैंड एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, तीनों की जानकारी मिल जाएगी। और कभी कभी ना बोले इससे हमको ये भी समझ में आता है वेदर मैनेजमेंट इज बायस्ड। बायस्ड मतलब जब मैनेजमेंट के लोग इंटेंशनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एस्टिमेट्स में एडजस्टमेंट्स करते हैं उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बायस। भाई साहब, सारे एस्टिमेट्स ऐसे, भले 15 में से 8 जगह उन्होंने, 8 जगह रीएस्टिमेशन हुए 15 में से, और 8ों जगह प्रॉफिट बढ़ रहा है। इट कैनॉट बी अ कोइंसिडेंस। 15 में से 8 जगह ये लोग रीएस्टिमेशन कर रहे हैं और 8ों के 8ों में प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। दिस शोज मैनेजमेंट इज बायस। वो तो अच्छा हुआ मैंने पिछले साल से कंपेयर किया तो इनकी पोल खुल गई, ये बायस्ड है ये लोग, ये प्रॉफिट इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वी ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन वेदर मैनेजमेंट एक्शंस आर बायस्ड, क्या वो बायस चल रहे क्या। और आखिरी में, वी आर नॉट इन डूइंग दिस टू क्वेश्चन द जजमेंट मेड इन प्रायर पीरियड्स। हम पिछले साल के ऑडिट पे सवाल नहीं उठा रहे, मैनेजमेंट पे सवाल नहीं उठा रहे, पिछले साल का ऑडिट शुरू नहीं कर रहे हम लोग। इससे हमको मदद मिल रही है करंट ईयर का ऑडिट करने में, इसलिए कर रहे हैं। वी आर नॉट री ऑडिटिंग लास्ट ईयर, हम री ऑडिट नहीं कर रहे हैं, तुमको नीचा नहीं दिखाना चाहते। हम ऐसा करके इस ऑडिट को अच्छे से, करंट ईयर ऑडिट को अच्छे से करना चाहते हैं। डोंट मिसअंडरस्टैंड अवर स्टेप्स। बात समझ रहे साहब? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्विकली 5 पॉइंट थे, पहले आप समझाओगे। रिव्यू ऑफ प्रायर पीरियड एस्टिमेट इज मैंडेटरी नेचर एंड एक्सटेंट। नेचर एंड एक्सटेंट विल डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस कि इस बार कितने बड़े बड़े डिफरेंस, उस पर डिपेंड करेगा। फिर समझेंगे क्या बेनिफिट्स, बहुत बढ़िया समझेगा वेदर द प्रोसेस इज इफेक्टिव, ऑटोमेटिकली एविडेंस मिल जाए किसका, री एस्टिमेशन के तुमको सबूत मिल जाएंगे। ठीक है, वो भी समझेगा वेदर देयर इज अ अनसर्टेनिटी, तीन चीजें दिखेगी वेदर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, और चौथा क्या समझेगा आपको, मैनेजमेंट बायस्ड है क्या, वो भी समझ जाएगा। और ये इस इंटेंशन से नहीं कर रहे कि पिछले साल को रीऑडिट करना चाहते हैं, पिछले साल की गलती निकालना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे फायदा होता है करंट ईयर ऑडिट में। बस समझिए सब, तो दिस लुक्स वेरी इंपॉर्टेंट रिव्यू ऑफ। अब जो कॉन्सेप्ट एक लाइन में निकल गया था पहले, अब इंस्टीट्यूट ने उस पर, और ये स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग में है, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग विद एक्सप्लेनेटरी मटेरियल इट गोज फॉर 1500 पेजेस, और उसमें से मॉड्यूल में बहुत सारी बातें हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरीथिंग, तो हमको बहुत एनालिटिकली ट्रैक करना है कि इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ अपने पैर फैला रहा है। अच्छा डन, तू ये पूछ रहा है क्या, फिर चल इसको भी बता देते। मतलब व्हेन यू डिसाइड स्टडी कि भाई इंस्टीट्यूट ने इतना किया, हमने एक कदम आगे चलना चाहिए बस, करेक्ट। तो वो आपको क्वेश्चन बैंक से बहुत समझ में आएगा।
वी आर नॉट सिंपली डूइंग चेकिंग ऑफ लास्ट ईयर, वी आर सीइंग व्हाट वी डिसाइडेड इन लास्ट ईयर वेदर इट इज हैपनिंग इन करंट ईयर. मैं सिर्फ लास्ट ईयर के कैलकुलेशन उठाकर चेक नहीं कर रहा हूं, जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ वो मैं चेक कर रहा हूं. और ऐसा करने से मुझे समझ में आ रहा है कि वेदर आई शुड रिलाय ऑन देम और नॉट, उनकी प्रोसेस पे भरोसा करूं क्या. करेक्ट. तो आई एम नॉट रीचेकिंग, कोई रीचेकिंग नहीं है वो. आई एम सिंपली सीइंग वेदर एस्टिमेट जैसे सोचे थे वैसा हुआ क्या. और ऐसा करने से वी आर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग. वी डिडंट डू, मैनेजमेंट डिड इट. मैनेजमेंट ने एस्टिमेट्स बनाए थे वैसा हुआ क्या. इट इज मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक ऑल दी एस्टिमेट. विल सिंपली रिव्यू इट. बराबर. ओके, ध्यान देंगे ना. कम टू कॉन्सेप्ट नंबर 85. अब मैं जानता हूं, ठीक है, बस 500 सीरीज को थोड़ा खत्म करते हैं, फिर थोड़ी शांति. ध्यान दें. अब ऐसे 560 कॉन्सेप्ट नंबर 85. ध्यान सुनेंगे, बहुत सिंपल सा. सबसीक्वेंट इवेंट्स, क्या बोला साहब, सबसीक्वेंट इवेंट्स. ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है विथ रिस्पेक्ट टू सबसीक्वेंट इवेंट्स, वो सवाल है. इस सवाल को और एक तरीके से पूछा जा सकता है. व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर फॉर इवेंट्स विच आर हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट. वहां पे आप लिख लीजिए. After balance sheet date. Till signing audit report. Events after balance sheet date till signing audit report. ध्यान दीजिए. सबसे पहले सुनिए, AS4 के हिसाब से दिया है. किसका भी दिया साहब, AS4. सुन लीजिए, ये पूरा पार्ट अगर लिखना है, इफ 6 मार्क क्वेश्चन. अब तो आत्मज्ञान तो इसलिए लिखवा रहा हूं, मतलब इतनी पूरी गाथा आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं होगी. 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है तो लिखिए. समय है आपके पास, वो आपको जज करना पड़ता है. समय है तो लिखिए, नहीं तो फिर यार स्किप करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आंसर एज सच बड़ा हो जाता है. सुन लीजिए, सबसे पहले AS4 क्या बोलता है. AS4 बहुत आसान सी बात बोलता है, जितने भी इवेंट्स होते हैं बैलेंस शीट डेट के बाद टिल द टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बीच में जितने इवेंट्स होते हैं उसको नाम दिया जाता है सबसीक्वेंट इवेंट्स. फिर वो बोलते हैं इसमें से कुछ होते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स और कुछ होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स. छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, जवाब देते जाइए, इससे आप मधोशी से दूर रहेंगे. बराबर. नहीं तो हैंगओवर होने लगेगा धीरे धीरे. खाया पिया कुछ नहीं, बोले हैंगओवर हो रहा है हमको. वेरी बैड. सही बात.
जहर। अच्छा ऐसा एकाधा और सुनाऊं तो लोग फिर रात को भी फिर नींद नहीं आती। ध्यान दें। तो इस दौरान जो इवेंट होते, सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग क्या होते हैं? बहुत आसान। इफ इवेंट्स क्लैरिफाइज द अनसर्टेनिटी एग्जिस्टिंग एज ऑन बैलेंस शीट डेट, इट विल बिकम एडजस्टिंग इवेंट। अगर वो बैलेंस शीट डेट के अनसर्टेनिटी को क्लैरिफाई करेगा तो उसको बोल देंगे एडजस्टिंग। 31 मार्च को केस पेंडिंग था, उसका रिजल्ट आ गया, इट इज एडजस्टिंग। 31 मार्च को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया था, पता नहीं कितना बनाओ, उसका रिजल्ट आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे? एडजस्टिंग। इट इज एडजस्टिंग इवेंट। और जो बाकी सब बच जाते वो कौन से हो गए? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। उसमें भी एक्सेप्शन होते तीन, बहुत आसान, रिक्वायर्ड बाय लॉ या AS। अगर IRD ने बोल दिया अपने इंश्योरेंस कंपनी को साल खत्म होने के बाद तुमको ये प्रोविजन बनाना है तो उसको बनाना पड़ेगा, इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोल दिया इफेक्ट लेना है तो इफेक्ट लेना पड़ेगा, बिकॉज इट रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यस नो? पहला एक्सेप्शन है रिक्वायर्ड बाय लॉ या फिर रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा एक्सेप्शन है इफ इफ इट अफेक्ट्स गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न पे असर पड़ गया तो उसका इफेक्ट तो लेना ही पड़ेगा। या फिर तीसरा, ठीक है, इफ इट इज अ मटेरियल लॉस, इफ इट इज अ मटेरियल लॉस, सिग्निफिकेंट लॉस, लेकिन गोइंग कंसर्न चैलेंज नहीं हो रहा तो उसको बताना पड़ता है BOD रिपोर्ट में। कहां बताना पड़ता है? BOD रिपोर्ट। दिस इज द ओनली सिचुएशन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हेन दे से दैट यू हैव टू राइट समथिंग इन BOD रिपोर्ट। सिर्फ एकमात्र सिचुएशन है जहां पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखना उसकी बात नहीं कर रहे, कहां बोल रहे हैं? BOD रिपोर्ट में क्या लिखना उसकी बात कर रहे। बात समझ रहे साहब? क्विकली, पहले हम लोगों ने पढ़ा व्हाट डू मीन बाय AS, व्हाट डू मीन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट एज पर AS4। सारे इवेंट होते फ्रॉम बैलेंस शीट डेट टिल डेट ऑफ अप्रूवल, दे आर सब्सिक्वेंट इवेंट। कितने नेचर, कितने तरीके? दो। कौन से? एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग। क्लैरिफाई करे तो एडजस्टिंग, नहीं तो नॉन एडजस्टिंग। एक्सेप्शन तीन, रिक्वायर्ड बाय लॉ या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इफेक्टिंग गोइंग कंसर्न या फिर मटेरियल लॉस, कहां पे? BOD रिपोर्ट में। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, SF 560 क्या बोलता है? ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए, लिसन। अब सुनिए, सबसे पहले सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन, सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन, तो ध्यान से सुनो। सब्सिक्वेंट इवेंट एज पर एसे इंक्लूड्स टू थिंग्स। पहला, बहुत आसान, देखो चीजें बहुत आसान है। जितनी भी इवेंट्स होते हैं आफ्टर बैलेंस शीट डेट टिल द टाइम ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड, सुनो, अकाउंटिंग करने की आखिरी डेट कौन सी है? अकाउंटिंग खत्म करने की आखिरी डेट कौन सी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल। यस नो? उस दिन तक आप अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स कर सकते हो? यस नो? इसलिए AS4 जब डिफाइन कर रहा था तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेकर गया वो, कब तक? डेट ऑफ अप्रूवल तक। ऑडिट करने की आखिरी डेट कौन सी है? डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। उस दिन तक की आपने मेहनत करनी चाहिए, इसलिए वो बोलता है सब्सिक्वेंट इवेंट इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स विच आर हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट टिल द टाइम ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट प्लस। अब ध्यान सुनो, प्लस प्लस हिंदी सीरियल्स, प्लस इट इंक्लूड फैक्ट्स, फैक्ट्स आफ्टर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, फैक्ट्स आफ्टर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। बैलेंस शीट डेट नहीं, वहां पे लिखो आफ्टर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट।
ऐसे कुछ फैक्ट्स हमको पता चलते हैं आफ्टर साइनिंग व्हाट्सएप ऑडिट रिपोर्ट्स। सर मतलब कभी कभी ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद मुझे कुछ ऐसी बातें पता चलती है पहले के समय की, जो अगर मुझे पता होती तो मैं मेरा ओपिनियन बदल देता। 100 करोड़ का स्टॉक ऑप्सलीट था, अगर यह बात मुझे पहले पता होती तो मैं क्वालिफाई या एडवर्स दे आता। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्ट्स। कभी भी ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद कोई भी ऐसी जानकारी मिले पहले के समय की, जो अगर मुझे पहले पता होती तो मैं मेरा ओपिनियन बदल देता। उसको भी सब्सिक्वेंट इवेंट माना जाता है, तब क्या करना, ये भी ऐसे में समझाया है। इसलिए सब्सिक्वेंट इवेंट इंक्लूड्स टू थिंग्स, इंक्लूड फैक्ट्स टिल द डेट ऑफ, इट इंक्लूड इवेंट्स टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट एंड इंक्लूड फैक्ट्स, ठीक है, आफ्टर साइनिंग डेट ऑफ आफ्टर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, जो अगर पहले पता चलते तो हम हमारा क्या बदलते, ओपिनियन। समझ रहे क्या सब? क्विकली, हम लोग इस क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं ऑडिटर की क्या जिम्मेवारी है विथ रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट इवेंट। हमने बोला पहले अकाउंटिंग आती है, AS4 क्या बोलता है वो समझ लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट? उसमें से दो होते हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग, और कुछ एक्सेप्शन देख लिए। अब हमने पढ़ा एज पर SF 560 सब्सिक्वेंट इवेंट इंक्लूड टू थिंग्स, पहले तो वो इवेंट्स कवर करता है और फिर क्या कवर करता है? फैक्ट्स। अब शॉर्ट में समझाते, इसको चेक करना जरूरी है तभी हमको समझ में आएगा, ठीक है, तभी हमको समझ में आएगा कि अकाउंटिंग बराबर हुई है कि नहीं हुई है। टू एंड थ्री आर सिमिलर, एक ही बात बोल रहे हैं। ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए ऑडिट प्रोसीजर बनाए, ऑडिट प्रोसीजर लगाए कि कंपनी ने सारे एडजस्टिंग इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया क्या और उसकी बराबर अकाउंटिंग की क्या। ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है। जब तक ऑडिट रिपोर्ट में साइन नहीं करूंगा, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने तक जितने भी मेरे सब्सिक्वेंट इवेंट्स है वो चेक करने की मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना मैंडेटरी है। मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा, आपको बता रहा हूं, साइन करने के बाद ऑडिट खत्म, साइन करने के बाद ऑडिट खत्म। फैक्ट्स अगर मुझे कहीं से पता चलेगा ना तो सोचूंगा, अरे कभी ना कभी तो ऑडिट को खत्म करना पड़ेगा ना। समझ रहे क्या आप? यस नो? इवेंट्स के लिए ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना क्या है? मैंडेटरी। उसके लिए क्या है साहब? मैंडेटरी। फैक्ट्स चेक करने के लिए मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, पता चले कहीं से तो देखूंगा फिर, लेकिन मुझे कोई ऑडिट प्रोसीजर लगाना उसके लिए जरूरी नहीं है, पता चले तो फिर सोचूंगा। हवा लगी साहब? नाउ सबसे खास कि ऑडिट में मैं क्या परफॉर्म करूंगा, सुनेंगे। कौन सा ऐसे पढ़ रहे साहब? पहले हम लोगों ने पढ़ा सब्सिक्वेंट इवेंट एज पर, सब्सिक्वेंट इवेंट एज पर AS4। उसके बाद पढ़ा व्हाट डू मीन बाय सब्सिक्वेंट एज पर SF 560। कितनी चीज आती है उसमें? दो। कौन सी? इवेंट्स और उसके बाद में फैक्ट्स। फिर हम लोगों ने बोला इवेंट्स के लिए ऑडिट प्रोसीजर लगाना मैंडेटरी है, फैक्ट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, पता चला तो देखेंगे लेकिन कोई हम खुद होके कुछ करना नहीं है। अब क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? सिंपल सिंपल सी चार बातें। पहले CFO साहब फिर मिलना है आपसे। बोले क्यों? सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, आ जाओ। नंबर 1, आपका क्या सिस्टम है टू आइडेंटिफाई एडजस्टिंग इवेंट्स एंड डू देयर अकाउंटिंग? बोले बहुत आसान, ठीक है, रमेश और सुरेश फिर दो CA बनाकर बैठे। बोले हम रमेश और सुरेश को साल खत्म होने के बाद दोनों इंडिपेंडेंटली वीकली चेकलिस्ट बनाते हैं,
वीकली चेकलिस्ट है उसमें भरते हैं, उसमें पूरी चेकलिस्ट है, बोले चेकलिस्ट में पिछले साल क्या एडजस्टिंग इवेंट हुए थे, इंडस्ट्री में जनरली क्या एडजस्टिंग इवेंट होते हैं, कौन से पॉसिबल है, उसकी पूरी लिस्ट दी है। दोनों इंडिपेंडेंटली चेकलिस्ट को भरते हैं, उनको समझता है कि किसकी एंट्री पास होनी चाहिए, और वो मेरे पास लेके आते हैं, मैं बेस्ट एंट्री को पास करता हूँ, साइन होता है, एवरी वीक बनता है, बोले साल खत्म होने के बाद। इस बार फाइनलाइजेशन तक 8 हफ्ते हुए थे, 8 हफ्तों के 8 चेकलिस्ट रमेश सुरेश के, बोले रेडी है, ये देखो फाइल। दिल खुश कर दिया, बोले आपने द इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स विच यू हैव फॉर आइडेंटिफाइंग एडजस्टिंग इवेंट्स एंड इंश्योरिंग दैट अकाउंटिंग हैपन्स प्रॉपरली, बेहतरीन है, बोले बहुत मजा आया। लेकिन मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूंगा, बोले, अगर मैं सिर्फ आपके ऊपर भरोसा कर लेता हूं तो। दूसरा, चलो ठीक है, इंक्वायरी, मैं आपको कुछ, मुझे भी पता है सर कि पिछले साल कौन से एडजस्टिंग हुए थे इवेंट्स, एडजस्टिंग इवेंट कौन से हुए थे, इंडस्ट्री में जनरली कौन से एडजस्टिंग इवेंट होते हैं। मैं आपको 20 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये हुआ क्या, ये हुआ क्या, ये हुआ क्या, प्लीज उसका जवाब दीजिए। लिटिगेशन का रिजल्ट आया क्या, डेटर का फाइनल पेमेंट हो गया क्या, ऑब्सोलीट इन्वेंटरी बिकी क्या, मैं ये कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, उसका जवाब दीजिए। पूछे ना, बोले, किसने रोका, डन। अब साहब, आपका सिस्टम आपने बताया, बहुत मजा आया, मैंने आपसे पूछताछ की, आपने जानकारी भी दी सब, उससे ही बहुत मजा आया, लेकिन ये सब आप बता रहे हैं, मैंने कुछ और एविडेंस नहीं देखा। एक काम करिए, बोले, आखिरी 2 चीजें, आपके बोर्ड मिनट्स बताइए, बोले, आपके बोर्ड मिनट्स में पढ़ना चाहता हूं, रीड लेटेस्ट, आपके जो बोर्ड मिनट्स है, साल खत्म होने के बाद, साल खत्म होने के बाद, साल खत्म होने के बाद के जो बोर्ड मिनट से पढ़ना, बोले क्यों, जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं साल खत्म होने के बाद, दे ऑल आर डिस्कस्ड इन द बीओडी रिपोर्ट, तो मैं बीओडी, आपके आपके बीओडी मिनट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मीटिंग, उसके मिनट्स, मैं मिनट्स पढ़ना चाहता हूँ, उससे मुझे साल खत्म होने के बाद के कोई बड़े एडजस्टमेंट्स है क्या, बड़े कोई इवेंट्स है क्या, वो मुझे समझ में आ जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड मिनट्स दीजिए, बोले। जैसे आपको सिर्फ बता दूं, ये आप AS20M पढ़ते हो, साल खत्म होने के बाद अगर आप बोनस इशू लाते हो, क्या लाते हो, बोनस इशू, उसकी अकाउंटिंग तो अगले साल होती है, लेकिन इस साल के ईपीएस पे उसका असर पड़ जाता है, इस साल के ईपीएस, तो ये मुझे जानकारी कैसे मिलेगी, बोर्ड मिनट्स देखकर, कि बोनस इशू आया है कि नहीं आया है, बोर्ड। और बोले, और एक खास चीज, साल खत्म होने के बाद के लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, क्या चाहिए, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हो सर, हम जुलाई में बैठे, अप्रैल में जून हो गया ना, अप्रैल में जून के इंटरिम या मंथली या क्वार्टरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए वो, बोले वो क्यों चाहिए, मैं देखना चाहता हूं कि इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बहुत ही अनयूजुअल बड़ा आइटम है क्या, अगर है तो चेक करना चाहता हूं कहीं वो एडजस्टिंग नेचर का तो नहीं है। इसके लिए आप मुझे दोगे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 4 बातें सिंपल, पहले उनका क्या समझा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आपका प्रोसीजर क्या, बहुत बेहतरीन लगा साहब, फिर क्या की, इंक्वायरी, बोले कुछ डॉक्यूमेंट भी तो देख लूं, 2 डॉक्यूमेंट, पहले क्या पढ़े, बोर्ड मिनट्स, क्योंकि वही से वहां डिस्कस होते हैं इवेंट्स, और दूसरा क्या लिया, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि कोई बहुत बड़ा एडजस्टमेंट हो उसमें तो कहीं वो एडजस्टिंग नेचर का तो नहीं है। अब डन, अगर ये सब चेक करने के बाद मुझे एडजस्टिंग इवेंट मिले, क्या मिला मुझे, एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है, ये थ्योरी है, समरी नहीं है, सिर्फ गलती से बोल्ड हो गई, इट इज अ थ्योरी नॉट समरी, बोल्ड में बोल्ड, 2 जगह बोल्ड हो गया हो। अब कॉमन सेंस, अगर एडजस्टिंग इवेंट मिला तो उसको पूछेंगे प्रॉपर अकाउंटिंग की कि नहीं की, प्रॉपर अकाउंटिंग कर किया तो कौन सी रिपोर्ट देंगे, क्लीन, नहीं करेंगे तो मॉडिफाइड एज पर 705। लेट्स फ्रीज, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑडिटर की जिम्मेवारी, तो उसमें हम समझाएंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, फिर समझाएंगे एज पर SA 560, उसमें समझाएंगे पहले डेफिनेशन, उसमें आती 2 चीजें, पहले इवेंट्स, फिर आते हैं फैक्ट, फिर समझाएंगे जिम्मेदारी, इवेंट्स को चेक करना जिम्मेदारी में आता है लेकिन फैक्ट्स को चेक करना आता नहीं है, कहीं से पता चले तो काम करना पड़ता है, वो आगे की बात है।
और फिर अब चेकिंग करना, चार बातें, पहले तेरा सिस्टम और तेरे से इंक्वायरी, और फिर दो तरह के डॉक्यूमेंट्स, कौन सा, बोर्ड मिनट्स और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट मिला तो क्या करेंगे, उसकी अकाउंटिंग चेक करेंगे, किया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मॉडिफाई एज पर ऐसे 705, या तो क्वालिफाई करो तो क्या दो, एडवर्स। बस समझिए सब, इज पॉइंट क्लियर? यस नो, यस नो, क्विकली। शुरुआत कहां से की थी आज? कोरोइड प्रोसेस। फिर क्या था? 402, दैट वाज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या था? 450, दैट वाज मटेरियल मिसस्टेटमेंट था, उसके सोर्सेस पे बात की थी। 450 के बाद 500 किस पे था? मैनेजमेंट एक्सपर्ट। फिर क्या था? 501, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, और व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिकल क्या करना, थर्ड पार्टी के पास है तो क्या करना। फिर था 505, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजाइनिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, 505 वाज एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है। फिर था 510, कुछ भी हमने उसमें देखा नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कवर हो गए रिसेंट एग्जाम में, नॉट इम्पोर्टेंट। फिर था 520, दैट वाज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। फिर था 530, दैट वॉज सैम्पलिंग, वहां पर था नेचर एंड कॉज। फिर पढ़ा हमने एसए 540, किसके ऊपर था, एस्टिमेट्स, कौन सी जानकारी हमने लेनी चाहिए। फिर था हमारा 550 में भी कुछ नहीं था। फिर 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। फिर था 570 उस पे आने के, ध्यान देंगे नॉलेज। बहुत ही सिंपल सा केस है, अब 18 के मॉक में आया था ये, एएस का कम, एसए का कम और एएस का ज्यादा केस है। बहुत सिंपल सी बात लिखी है कि 2 साल से, 2 साल से कॉन्सेप्ट नंबर 88 है, कॉन्सेप्ट नंबर 88 है, 2 साल से हमारे एम्प्लॉयज लेबर यूनियंस के साथ में निगोसिएशंस चल रहे थे कि उनका कुछ पेमेंट काफी समय से चल रहा था पेंडिंग, ठीक है, कि उनको कितना हाइक देना है या कितने अरियर्स पे करना है, इसका डिस्प्यूट चल रहा था, उनसे निगोसिएशंस चल रहे थे। फाइनली ये साल, साल खत्म होने के बाद में निगोसिएशंस कंप्लीट हुए, निगोसिएशंस गॉट कंप्लीटेड, करेक्ट, और इसकी जानकारी मिली 15 मई को। साल खत्म हो गया, निगोसिएशंस खत्म हुए, साल खत्म होने के बाद कब कंप्लीट हुए, 15 मई, और ऑडिट रिपोर्ट कब साइन हो रही है, 31 मई। ये खत्म हुए 30 अप्रैल को, निगोसिएशन खत्म कब हुए साहब, 30 अप्रैल, क्विकली, कौन सा साल खत्म हुआ, 2017। निगोसिएशन खत्म कब हुए, अप्रैल में, कब खत्म हुए साहब, अप्रैल में, पता कब चले हमको, मई में, और साइन कब हो रहा, 31 में। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होने के पहले कंपनी को जानकारी मिल गई थी कि निगोसिएशंस खत्म हो चुके हैं। क्या 31 मार्च को निगोसिएशन पेंडिंग थे, यस नो? तो क्या ये अनसर्टेनिटी 31 मार्च को मौजूद थी, क्या उसका आउटकम मुझे पता चल रहा है, यस, इट इज क्लैरिफाइंग द कॉन्टिंजेंसी, इट इज क्लैरिफाइंग द कॉन्टिंजेंसी एग्जिस्टिंग एज ऑन बैलेंस शीट डेट। क्या उसकी अकाउंटिंग इसी साल होनी चाहिए, यस, एडजस्टिंग इवेंट है, उन्होंने उसको नहीं किया है। तो उन्होंने बस यही समझाया, उन्होंने बस इतना समझाया, एज पर AS4 उन्होंने समझाया, जहां पे जो इवेंट क्लैरिफाई करता है कॉन्टिंजेंसी एज ऑन बैलेंस शीट डेट, उसको क्या बोलते साहब, एडजस्टिंग इवेंट। AS29 में भी ऐसा लिखा हुआ है, AS29 में भी ऐसा लिखा हुआ है, AS29 में, AS29 में, ठीक है, AS29 में भी ऐसा लिखा है कि कोई भी प्रोविजन अगर आप बना रहे हो, उसकी अगर आपको और कोई जानकारी मिले जिससे आपको लगता है प्रोविजन का अमाउंट बदलना चाहिए, तो उसका आपने इफेक्ट लेना चाहिए। AS4 भी बोलता है उसका इफेक्ट लो, AS29 भी बोलता है उसका इफेक्ट लो,
ऑडिटर की जिम्मेदारी है चेक करना कि मैनेजमेंट ने AS4 AS29 के हिसाब से एडजस्टिंग इवेंट्स का इफेक्ट लिया कि नहीं लिया। केस का डिस्कशन बताएंगे कि मैनेजमेंट इसकी अगर एंट्री नहीं करेगा तो ये गलत है, मिसस्टेटमेंट है, मानो इस बात को, नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाई। बात समझिएगा साहब। तो बहुत इसमें बेसिकली ये सीखना था, AS4 का ज्ञान बांटो, एडजस्टिंग इवेंट का इफेक्ट लेना पड़ता, AS29 भी बोलता है प्रोविजन को एडजस्ट करना चाहिए और जानकारी मिली तो, SF560 बोलता है हमारी जिम्मेदारी है चेक करो उन्होंने बराबर अकाउंटिंग की क्या, नहीं कर रहे तो मॉडिफाई करेंगे। बात समझिए सर। यस नो, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी क्या है ये, बिल्कुल आप कर सकते हैं, एज अ स्टैंडर्ड न्यू कोर्स में आप हमेशा कोशिश करिए AS के साथ में क्या मेंशन कर दें, इंड AS। डेफिनेटली यू कैन मेंशन इंड AS। और 99% जो क्वेश्चंस कवर्ड है हमारे, AS और इंड AS की जो बातें वो कैसी है, सेम। सिर्फ एक जगह चेंज होता है ऑडिट में, कंसोलिडेशन में हल्का सा फर्क है, वो भी ठीक है बराबर हल्का सा फर्क है आपके इंड AS 110 में। ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, FR से कोई मतलब नहीं मेरे को, बराबर ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलेंगे हल्का सा फर्क होता बेटा, ऑडिट के लिए एक फर्क है सिर्फ। बाकी आप एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस न्यू कोर्स के सभी स्टूडेंट्स AS के साथ रेफर कर सकते, किसको, इंड AS को। नाउ टपक रहा है ये तो, May 19 मॉक, November 19 RTP, May 20 एग्जाम। सर हम सोच रहे हैं इस बार पेपर 1000 मार्क का हो बोले इतना सब कुछ आएगा। ध्यान दैट्स इट गाइस, वी आर थ्रू विथ 500 सीरीज। तो लालटेन का जहर बोले अच्छा चलो एक और मैं सुना था, ओके लेकिन क्या है कि वो जो मैडनेस है उसके अंदर, लालटेन एक्सेल शीट है मेरे पास 700 जोक्स की उसमें भी मैंने कलर करके रखा है किसका कितना जहर लेवल है बराबर कोई पढ़ ले एक बार में तो इस खत्म। तो बच्चों ने बोला है सर एक काम करो क्वेश्चन बैंक के बाद वो भी छाप के दो जिनने की इच्छा खत्म हो जाएंगे, बोले ये क्या क्या पढ़ लिया मैंने। थैंक्स सर। क्वेश्चंस के बीच में डाल, हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया ओके। तो अभी गहराई समझो, क्या गहराई है इसमें। तो एक कौन सा सुना, वो मैं सिर्फ सोच रहा था, अब मैं एक सुनाता हूँ। जहर है इसमें, रूह कांप जाएंगे इतना जहर है चलो मैं बता दो, लेट मी टेल। तो एक 7 फ्लोर्स की बिल्डिंग रहती है और बेसमेंट में एक ऑफिस रहता है, ठीक है सभी, और वो ऑफिस है वहां पे अच्छा खासा ऑफिस का म्यूजिक भी चल रहा है, ऑफिस विद म्यूजिक, सी मॉडर्न ऑफिस है।
सेवन फ्लोर से, 7, 6, 5 सभी फ्लोर से जो चीटियां निकल निकल कर आती, निकल निकल के आती सब जगह से पूरे बिल्डिंग में, और वो फिर जाते आगे बेसमेंट में, जाते वो ऑफिस के पास, और वहां जाकर वो सारी चीटियां बेचारी मर जाती। लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और कुछ सुन रहे हैं? नहीं, ये नहीं सुना, ये नहीं सुन पाऊंगा बोले मैं। तो ये चीटियां जाती है और सब मर जाती है। तब सवाल ये है कि ये ऑफिस किसका है? अरे बाप रे, आईसीआई को, आईसीआई चीटियां मारती है, यही काम बच गया था। बच्चों की धुलाई करते कम है। अरे बाप बाप अब लोग सोचने लगे, बात मैं बता रहा हूं, बहुत जहर है। अभी बताने के बाद, क्लाइमेक्स के बाद और एक क्लाइमेक्स की समझाना पड़ता है कैसे क्या, और उसमें से भी कुछ ही लोगों को समझता है। तो वहां पे वो ऑफिस रहता है जेम्स बॉन्ड का, क्योंकि वहां पे म्यूजिक चलता है, डेड एंड डेड एंड। देखो अभी भी आधे जनता को तो समझा ही नहीं। चलो ध्यान देंगे, इनफ नाउ, लिसन लिसन। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड May 19 मॉक टेस्ट, November 19 आरटीपी, करेक्ट? क्या? बिल्कुल, हम चाहते हैं जो भी हम आज पढ़ रहे हैं, जो पढ़े वो सब May 20 में आ जाए। सही, हम सब वही चाहते हैं, ध्यान देंगे। नाउ लिसन, नाउ इसमें एक कंपनी ऐसा है, वो अपने लेंडर्स को पे नहीं कर रहे, उनके जो बैंक है उनको पे नहीं कर रहे, तो बैंक चली गई एनसीएलटी में और बोलती है कि कंपनी को बेचो, ठीक है, सेल कंपनी। तो बिल्कुल आईबीसी, वो पूरा समझाया, पूरी वो कहानी समझाई, कंपनी है, पैसों का प्रॉब्लम है, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, बैंकर्स को पे नहीं किया, बैंक चला गया आईबीसी में, आईबीसी में चला गया, और आईबीसी के अंदर दूसरे कंपनी ने ऑफर किया है कि हम इस कंपनी को खरीद लेंगे, इनके जो लोन्स है वो रीपे कर देंगे, करेक्ट? ये ऐसी पूरी ऐसी कहानी है, और इतनी पूरी कहानी के बाद सिर्फ इतना बोल दिया उन्होंने, हाउ वुड यू डील विद दिस सिचुएशन, हाउ विल यू डील विद द सिचुएशन? ऑडिट के मतलब, वो तो ऑड, ठीक है, गुड सिचुएशन एज ऑडिटर ऑफ द एक्यूपी ने, तो दिस कुड हैव बिकम क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑल्सो। पूरी कहानी समझा दी, हिस्ट्री हिस्ट्री सब, ऐसा प्रॉब्लम था, आईबीसी में चले गए, ऐसा ऑफर आ गया है, अब एज ए ऑडिटर आप क्या करोगे, ठीक है, ध्यान देंगे। इसके अंदर नाउ दे आर डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड आंसर जो देना चाहिए आपको गोइंग कंसर्न का कोई भी क्वेश्चन आए तो, बहुत ही प्यारा एक स्टैंडर्ड आंसर उन्होंने बना दिया है, और एक स्टैंडर्ड आंसर हुआ करता था, बट रिसेंटली थोड़ा चेंज उन्होंने किया है, बहुत आसान सी बात दी है, ध्यान देंगे। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन SA 570। SA 570 बोलता है जब भी आप ऑडिट करने जाओ तो Step number 1 आप देखो क्या कोई, ठीक है, क्या कोई इवेंट या ट्रांजैक्शन है विच क्रिएट्स सिग्निफिकेंट डाउट ओवर गोइंग कंसर्न, क्या कोई इवेंट और ट्रांजैक्शन है विच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट विच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट ओवर गोइंग कंसर्न। बचपन में आपने बहुत पढ़ा होगा फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स एंड अदर इंडिकेटर्स, तो आप जाकर देखो फाइनेंशियली कुछ निगेटिव बातें हैं क्या,
ठीक है, कंटिन्यूअस लॉसेस होना, रेशियोज खराब हो जाना, फाइनेंशियली निगेटिव बातें हैं क्या, ऑपरेटिंग में गलत कुछ निगेटिव बातें हैं क्या, रॉ मटेरियल का सप्लाई खत्म हो जाना, जैसे अभी फार्मा कंपनीज, मैंने सुना है केमिकल कंपनीज फेस कर रही है बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन इन चाइना, फार्मा कंपनीज और केमिकल जायंट इंडस्ट्री के पास में रॉ मटेरियल ही नहीं है. सो रॉ मटेरियल नहीं है तो हाउ विल दे डू, बिकॉज एंड फिक्स कॉस्ट चले जा रहे हैं, फिक्स कॉस्ट तो चल रहा है, ठीक है, तो अक्रॉस द वर्ल्ड इकोनॉमी में थोड़ी दिक्कतें चल रही है अभी. तो कोई फाइनेंशियली निगेटिव बात, ऑपरेशनल कुछ निगेटिव है या फिर अदर्स, अदर कुछ बातें हो रही है जैसे नेचुरल कैलेमिटीज आ जाना या फिर ये कोरोना फैल गया. नाउ अगर ऐसा हुआ ना, तभी अगर आपको कुछ ऐसी बातें नजर आती है विच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट, विच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट ओवर गोइंग कंसर्न, तो बोले आपको लगाना है स्टेप टू. अगर ऐसा है तब जाके आपको एडिशनल प्रोसीजर लगानी पड़ेगी, स्टेप टू. यू हैव टू गो एंड अप्लाई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर. पांच बातें हैं, बहुत आसान सी है, ध्यान दें, बहुत आसान सी पांच बातें. पहले मैनेजमेंट को बुलाना, बेटा देख तुम लोग तकलीफ में हो मुझे दिख रहा है, इसलिए पहला प्लीज प्रिपेयर मैनेजमेंट्स असेसमेंट अबाउट गोइंग कंसर्न. तकलीफ में इसलिए बोल रहा हूं, तुम बनाओ तुम्हारा क्या असेसमेंट है गोइंग कंसर्न को लेकर. प्लीज प्रिपेयर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, लीगल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी रिपोर्ट. आप फाइनेंशियली लीगली ऑपरेशनली अगला एक साल सर्वाइव कर पाओगे क्या, ये मुझे एनालिसिस बनाकर दो. मैनेजमेंट्स, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी ऐसे भी, प्रिपेयर मैनेजमेंट्स असेसमेंट अबाउट गोइंग कंसर्न इफ नॉट इट प्रिपेयर. वो ठीक है सर, सर आपने बोला ना कर डालेंगे, विल डू इट. गुड, अब पढ़ो असेसमेंट को. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने वाले हो, लीगल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने वाले हो, ऑपरेटिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने वाले हो. देखो मैं जोड़ रहा हूं एक पॉइंट को दूसरे से, आप फ्यूचर प्लान को समझो उनके. वो लोग आपके पास असेसमेंट्स लेकर आएंगे तो उसको अच्छे से पढ़ो, एंड नाउ यू अंडरस्टैंड फ्यूचर प्लान. फ्यूचर प्लान में बहुत सिंपल सी बात है, क्या फ्यूचर प्लान एडिक्वेट है, जितना पैसा चाहिए उतना जनरेट कर पाओगे क्या. तुम बोल रहे हो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से पैसा जनरेट करोगे, अगला साल निकालने के लिए 500 करोड़ चाहिए. आर योर प्लान्स एडिक्वेट, इश्यू ऑफ शेयर इतने हो पाएंगे क्या आपकी 500 करोड़ मिल जाए तुमको. हमको स्टडी करना है वेदर प्लान्स आर एडिक्वेट, क्या प्लान एडिक्वेट है एंड आर दे फिजिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल है. तो क्या बोल रहा है, मार्केट में जाएंगे और न्यू इश्यू ऑफ शेयर लाएंगे और 200 करोड़ देर को मिल जाएंगे, यू विल गेट 200 करोड़. इज इट फीजेबल, मार्केट में नाम कितना खराब है तेरे को पता है. तो वेदर योर प्लान्स आर दे एडिक्वेट एंड फीजेबल, एडिक्वेट एंड फीजेबल, वो आपको देखना है. एडिक्वेट मतलब ही आर दे सफिशियंट, ठीक है. ब्रैकेट में जो है वो एग्जाम्पल्स है, वो एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, जहां पर भी ब्रैकेट्स आपको दिखे और इटैलिक्स ऐसा कुछ दिखे वो हमने डाले हुए एग्जाम्पल है चीजों को समझाने के लिए. नाउ लिसन, ठीक है तेरे फ्यूचर प्लान समझ रहे हैं, चल ये फ्यूचर प्लान के बेसिस पे तेरा कैश फ्लो पीएनएल और कैश फ्लो फोरकास्ट बना. चल अगले साल का तेरा पीएनएल कैसा नजर आएगा, फ्यूचर का पीएनएल, फ्यूचर का कैश फ्लो बता. मैं देखना चाहता हूं तेरा प्रोजेक्टेड पीएनएल, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो कैसा नजर आ रहा है, क्या उसके अजम्पशंस रियलिस्टिक है कि नहीं, क्या कैलकुलेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो देखना चाहता हूं. और देखना चाहता हूं कि फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या सही में तेरे पास हर महीने कैश इनफ्लो है, क्या शॉर्टेज है तो पैसा कहां से लाएगा, वो मैं देखना चाहता हूं, ठीक है. बोले अच्छा मुझे बताइए
ये तूने मेरे को असेसमेंट बना के दिया, असेसमेंट से फ्यूचर प्लान पता चले, फ्यूचर प्लान के बेसिस पे तूने फोरकास्ट बना के दिया, ये सब तूने कब बनाया? बोले सर आपने हमको ये सारी बातें पूछी थी जून के महीने में, तो हमने ये पूरा बना लिया था बोले अगस्त एंड तक। अच्छा, यू वॉन्ट टू से दिस ऑल वर्किंग इज एज ऑन 31 अगस्त? हाँ, एज ऑन 31 अगस्त हम क्या सोच रहे थे अगले साल के बारे में वो हमने बनाया। बोले अब हम किस पे बैठे हैं? बोले 31 मई नेक्स्ट ईयर। बोले भाई साहब, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने, इधर इतने सारे महीने बीत गए, ये एज ऑन 31 अगस्त है। आई वॉन्ट टू नो वॉट इवेंट्स हैव ऑकर्ड आफ्टर यू हैव प्रिपेयर दीज एनालिसिस। ये सारे एनालिसिस के बाद कोई बड़े इवेंट्स हुए हैं क्या जिसका एडवर्स इम्पैक्ट भी हो सकता है और जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, वो भी तो बता दे यार। आपकी बात वैलिड है। बोले सर मैं बड़े बड़े जितने भी इवेंट्स हुए पॉजिटिव निगेटिव वो जमा करता हूँ, उसका इफेक्ट लेकर आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। गुड। ऐसा है साहब, गोइंग कंसर्न में कितनी भी जानकारी ले लो, हमेशा मन थोड़ा अशांत होता है, असंतुष्ट होता है, मन में डर लगता है, ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता ऑडिटर को, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक बात है, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। एक काम करो साहब, आपने जानकारी तो दी मुझे, आपके लेटर हेड पर लिख कर दो सारी बातें, आपके लेटर हेड पे आप लिख कर दो कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो हमने लिया है वो अप्रोप्रिएट है, जो हमने अजम्पशन लिया है वो अप्रोप्रिएट है, ठीक है, उसके लिए हमारे फ्यूचर प्लान्स अप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट, उसके फ्यूचर प्लान एकदम सही ऑपरेट करने वाले हैं, और हमने ऑडिटर से पूरी जानकारी शेयर की। आपके अजम्पशन को सपोर्ट करने वाला WR चाहिए, ले लीजिए। बोले डन। ये आपकी एडिशनल प्रोसीजर्स है। क्या है साहब? एडिशनल प्रोसीजर्स। किसी भी असाइनमेंट में जाते हैं तो जाके सोचना पड़ता है, आर देयर एनी इवेंट्स और कंडीशन विच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट। स्टेप नंबर वन है जाके देखना कि क्या कोई सिग्निफिकेंट डाउट है ओवर गोइंग कंसर्न, या गोइंग कंसर्न के ऊपर है क्या। अगर ऐसा कोई सिग्निफिकेंट डाउट आपको नजर आया तो एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना। बेटा पहले तो तेरा असेसमेंट बना, फिर मैं क्या देखूंगा, फ्यूचर प्लान्स, उसके बेस पे क्या बनेंगे कैश फ्लोज, PNL फोरकास्ट और कैश फ्लो फोरकास्ट, फिर मैं पूछूंगा व्हाट आर द इवेंट्स व्हिच हैव हैपेंड आफ्टर मेकिंग दीज एनालिसिस, उसका इफेक्ट ले, और आखिरी में मुझे क्या चाहिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। बोले डन। फिर Step 3, फाइनल स्टेप। अब मुझे कंक्लूजन बनाना पड़ता है, कंक्लूजन बनाना पड़ता है। MU, MU स्टैंड फॉर मटेरियल अनसर्टेनिटी। जब गोइंग कंसर्न पे कोई आपत्ति आती है, गोइंग कंसर्न पे बहुत बड़ी कोई चुनौती आती है, बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम आता है जिससे कंपनी को निपटना है, और दिस इज समथिंग जो शेयर होल्डर को बताना जरूरी हो जाए, अब मैं छुपा नहीं सकता ये बात, और तो उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर गोइंग कंसर्न विच यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, विच इज इंपॉर्टेंट टू शेयर विद देम दैट कंपनी इज इन ट्रबल, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल अनसर्टेनिटी। तो ये एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद हमको हमारा डाउट क्लियर करना पड़ेगा, क्या सही में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या। बोले सही में है, बस वो लॉसेस दिखे तो मैंने आगे तहकीकात शुरू की, तो सही में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। इफ देयर इज अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, इज अ लीगल प्रॉब्लम इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी। बात समझ रहे क्या सब? यस नो? मटेरियल अनसर्टेनिटी मिलती है ना, तो उसको बोलते बेटा चल चल नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर लगेगा बेटा, मटेरियल अनसर्टेनिटी को चकाचक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में नंबर 1 हेडिंग डाल गोइंग कंसर्न, रोहालिक मटेरियल अनसर्टेनिटी और गोइंग कंसर्न पूरी कहानी लिख, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, उसको ऐसे निपटने वाले है। चल समझा पूरा, तू तेरा गोइंग कंसर्न की कहानी लिखेगा वहां पे कि कितना बड़ा संकट है और तू उससे कैसे निपट रहा, जो फैक्टर से मटेरियल अनसर्टेनिटी को कॉम्पनसेट करते हो उसको बोलते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर। मिटिगेट करना मतलब कॉम्पनसेट करना प्रॉब्लम्स को। समझ रहे क्या भाई? अरे यस नो? तो आप भाई साहब बोले आप अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है उसका मिटिगेटिंग फैक्टर है, उसको नोट्स टू अकाउंट्स में बता दो, डिस्क्लोज कर दो।
बात समझिए, यस नो, और ये भी लिखना पड़ता है। एक अगर मटेरियल अनसर्टेन तो एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, देर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी विच इज पेंडिंग ओवर द कंपनी बिकॉज ऑफ विच दे मे नॉट बी एबल टू रियलाइज एसेट्स इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हो सकता है वो एसेट्स की रिकवरी ना कर पाए इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एंड दे मे नॉट बी एबल टू पे देयर लाइबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। समझ रहे क्या? हो सकता है कि वो लोग, अरे हो सकता है कि वो लोग रिकवरी, हो सकता है कि अपने एसेट्स की रिकवरी नहीं कर पाए और उसका पेमेंट ना कर पाए। हवा लग रही के साहब? क्विकली, कौन सा ऐसे पढ़ रहे? 570 किसके ऊपर है वो? गोइंग कंसर्न। स्टेप नंबर वन जाके देखो वेदर सिग्निफिकेंट डाउट्स और गोइंग कंसर्न क्या परफॉर्म करेंगे, एडिशनल प्रोसीजर, कंक्लूजन बनाओ। मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या, क्या मिटिगेटिंग फैक्टर है क्या, और फिर फाइनल कंक्लूजन बनाना पड़ता है वेदर गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट, वेदर गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट। समझ रहे? सब लिखते हैं ना भाई? बराबर, यस। उसको चेंज किया, रिसेंट रिसेंट एमटीपी आरटीपी में आंसर बदलता है। सी व्हाट वी डू, क्या किया जाता है कि एक ही तरह का क्वेश्चन सपोज 5 बार है, कितने बार है? 5 बार। रिसेंट इसमें अगर रिसेंट इसमें उसका आंसर चेंज हुआ है तो रिसेंट आंसर्स को लिया जाता है, तो वहां पे आप हमने वो अपडेशंस की फाइल में चेंज होगा, ठीक है, अपडेशन की। ओके तो फिर कॉन्सेप्ट नंबर नोट कर लीजिए, मैं दे दूंगा उसको अलग से। नाउ लिखा है मैंने वहां पे, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है और साथ में क्या है, मिटिगेटिंग फैक्टर। कैसा साहब? मिटिगेटिंग फैक्टर, तो हम लोग बोलते हैं गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट। तो इन्होंने लिखा है, इन्होंने वही लिखा है, कंपनी तकलीफ में थी लेकिन आईबीसी में काउंटर ऑफर आ चुका है, अच्छा ऑफर आ रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है, तो एक स्ट्रांग मिटिगेटिंग फैक्टर है। क्या है? स्ट्रांग मिटिगेटिंग फैक्टर, तो कंपनी का गोइंग कंसर्न बच गया और वो अप्रोप्रिएट है, हमने क्लीन रिपोर्ट देनी चाहिए, क्लीन रिपोर्ट देनी चाहिए। करेक्ट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस नो? ठीक है, ये स्टैंडर्ड आंसर आप लिख लो, दिस स्टैंडर्ड आंसर कैन बी यूज्ड, दिस स्टैंडर्ड आंसर कैन बी यूज्ड फॉर एनी गोइंग कंसर्न केस। हाँ, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे के अंदर कुछ मैंडेटरी प्रोसीजर्स है और कुछ ऑप्शनल प्रोसीजर्स है। बराबर, हमने तो दोनों पढ़ा जब रेगुलर क्लास पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ मैंडेटरी प्रोसीजर्स को कवर किया है। ओके नाउ बस 500 सीरीज खत्म करते हैं, हम ही खत्म हो जाएंगे, बोले ये तो नहीं लेना है। ओके 97 पे आइए। ध्यान देंगे, एक बंदा जाता है और बहुत ही होशियार होशियार ऑडिट करता है एकदम। बोले सर आप ज्ञान बांट रहे थे ना, ऑडिट एफिशिएंट और इफेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। मैंने बोले ऐसी एफिशिएंसी जनरेट की है कोई और कर ही नहीं पाएगा। बोले हर एरिया में गया मैं कंपनी के, हर बंदे से मिला और हर जगह जाकर
मैंने पंचनामा कर डाला, पंचनामा कर डाला, बंदे को बिठाया, उसको बोला चल रिटर्न स्टेटमेंट दे, इन्वेंट्री सही है, स्टेटमेंट ले लिया, फिक्स एसेट सही है, सब सही है। हर बंदे से जा जाकर सबसे जानकारी ले ली, हर एरिया के लिए 2 पन्ने लिखवा कर ले लिए, साइन स्टैम्प के साथ फाइल में चकाचक लगा दिया, सबूत मिल गए हर एरिया के लिए, खत्म। कभी कभी इंडिया में भी कुछ सीए करते हैं, कुछ ऑडिट्स में सीधा बोले लिख कर दे दो, ये सही है वो सही, जब ऐसा समझ में कुछ समझ में नहीं आ करना क्या है, तो मैनेजमेंट को बोलते एक काम कर लेटर हेड पे सारी बातें लिख कर दे दे कि ये सारी बातें सही है, ध्यान देंगे। लिसन, क्या बोलता है SA-580? लिसन, SA-580 बोलता है हम ये जानते हैं और ये मानते हैं कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक नेसेसरी चीज है जो लेनी चाहिए टू कंफर्म सर्टन मैटर्स एंड टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस। बहुत जरूरी है, जो बातें ओरली बोली जाती है उसको कंफर्म करने के लिए, और कुछ जहां पे अश्योरेंस नहीं मिल पा रहा बहुत ज्यादा तो वहां पे अश्योरेंस सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। लेकिन आपको एक बात बता दे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अपने आप में कोई प्राइमरी एविडेंस नहीं है, इट इज नॉट सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट इन इटसेल्फ, इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड अदर ऑडिट एविडेंसेस। सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अपने आप में सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट नहीं है, इट इज नॉट सफिशियंट अप्रोप्रिएट, इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट एनी ऑडिट प्रोसीजर और ऑडिट एविडेंस, इट इज अ लास्ट रिसोर्ट। सब करने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे और थोड़े सबूत, मुझे और थोड़ा अश्योरेंस चाहिए तो मैंने लेना चाहिए, वो किसी को सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकता, तो बोले इस बंदे ने एकदम गलत काम किया है, इसने बाकी सबूतों को रिप्लेस कर दिया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सपोर्ट्स, इट कैन नॉट बिकम इन इटसेल्फ अ सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो बिल्कुल गलत किया है। ठीक है, अब जो ये पूरी बात वहां पे लिखी है, अब यहां पे इन्वेंट्री की बात थी, क्या थी साहब? इन्वेंट्री। क्वेश्चन में ऐसा बात था कि बंदे ने फिजिकल वेरिफिकेशन परफॉर्म नहीं किया, तो उस पर भी ज्ञान बांटा है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फिजिकल वेरिफिकेशन को परफॉर्म करना, हम लोग मानते हैं, लेकिन एज पर SA-501 उसका रेफरेंस दे सकते हो कि हमने जाके उसको क्या करना चाहिए, अटेंड अटेंड करना चाहिए, और अटेंड करके 501 के हिसाब से प्रोसीजर्स को करना चाहिए। ठीक है, जरूरी है, हमने भी मेहनत करना, वी शुड गो एंड अटेंड, कम से कम साल में एक बार तो करना ही चाहिए, तो हमने वो नहीं किया वो गलत बात है, हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को मिसयूज किया वो गलत बात है, तो हमारे पास सफिशियंट सबूत नहीं है। ठीक है, ऑडिटर का जो स्टैंड है वो एक्सेप्टेबल नहीं है एज पर SA-580, जो ऑडिटर ने किया केस का डिस्कशन करके, इट इज नॉट करेक्ट। समझे गए सब? लेसन, तो अगर ऐसा आया तो पहले आपको बताना है, पहले उन्होंने ज्ञान बांटा है फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में, किसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट। हमने कम से कम क्या करना चाहिए? अटेंड। और SA-580 बोलता है वो अपने आप में सफिशियंट अप्रोप्रिएट नहीं है, इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट एनी ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट एविडेंस, इट इज अ सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस, उसको आप मिसयूज मत करिए, आपने मिसयूज किया है तो आपका तरीका, आपका अप्रोच ऑडिट करने का गलत हो गया, इट्स अ नॉन कंप्लायंस ऑफ SA-580। ठीक है, इस पॉइंट क्लियर? May 19 RTP का है, एग्जाम में अभी तक आया नहीं, नहीं। लास्ट क्वेश्चन फॉर SA-580। सुन लेंगे पहले, क्या पूछा है वहां पे पहले सुन लीजिए, फिर लिख लेना और अंडरलाइन कर लेना। सुनिए, इन्होंने पूछा है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को कब लेना चाहिए,
तूने समझा है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक ऐसे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक ऑडिट एविडेंस है और सभी ऑडिट एविडेंसेस को रिपोर्ट साइन करने से पहले लेना चाहिए। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को भी ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के पहले ही लेना चाहिए, उसका डेट पहले होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली क्या होता है, रिपोर्ट साइन हो जाती, फिर क्लाइंट को फोन मारते, अरे वो WR भेजो ना भाई, फाइल में लगाना है, फाइल में लगाने के लिए। और फिर बच्चे लिख के भी आते उसके हिसाब से। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज ऑडिट एविडेंस एंड ऑल द एविडेंस शुड बी टेकन बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। तो इसको भी कलेक्ट करना है बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। हाँ उसमें और आगे बोलते, बिकॉज इन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन यू कवर सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऑल्सो, एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स कीप्स हैपनिंग टिल द टाइम वी साइन ऑडिट रिपोर्ट। तो यू शुड टेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज क्लोज एज प्रैक्टिकल टू द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। जितना क्लोज हो सके उसके उतना क्लोज आपने लेना चाहिए। तो ऐसा बोला है उसको लेना चाहिए बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। और क्योंकि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स को भी कवर करते हो, तो आपने कोशिश करनी चाहिए कि उसको आप लो आखिरी में, एकदम एज क्लोज एज पॉसिबल टू साइनिंग साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। मतलब ठीक है, लॉजिकल है साहब आपकी बात, डन। पहली बात, फिर और ज्ञान बांट रहे, ज्ञान की तो कमी नहीं है। बोले कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे ऑडिट चलता है, यू टेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। सर मतलब, ऑडिट के दौरान हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर चेक किया इन द मंथ ऑफ सितंबर। अभी तो साल खत्म होने का था, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कई प्रकार के अजम्पशंस थे, कई प्रकार की थ्योरीज थी, जिसके बारे में कई कुछ डेटा नहीं था, हमारे तो सब दिमाग के बाहर था बोले। तो हम लोगों ने तभी के तभी वहां के जो साइंटिस्ट लोग थे और वहां बोले उनके जो हेड थे, एक काम करो, तुमने ये सब जो बताया तुमको समझाना, जो तुमने समझा तुमको समझाना बोले। अब एक काम करो, तुम्हारे लेटर हेड पे सारी बातें छापो और उसको प्रिंट करके, साइन करके, स्टैम्प करके हमको दे दो, क्योंकि भाई हमारे तो कोई पल्ले कुछ पड़ा है नहीं, लेकिन हमको एविडेंस चाहिए। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपने कुछ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिए होते हैं, तो आप साल का जब एंड हो रहा है, तो आप एक काम करो, अपडेट करवा लो उसको। आपने वो बातें बोली थी एज ऑन 30 सितंबर, बाद पूरा 6-7 महीने और बीत गए और न्यू इंफॉर्मेशन आ गई होगी, नई बातें आ गई होगी, तो आप और उसको रिवाइज करके दे दो। समझ रहे क्या साहब? अरे यस नो, आप और थोड़ा हमको रिवाइज करके दे दो। यू रिवाइज थिंग्स, यू अपडेट अपडेट करके दो। बोले ठीक है, तो समझा रहे आपको कि पहले तो खत्म होने के पहले लेना चाहिए और फिर कभी कभी हम अपडेट करके भी लेते। बोले डन। ये लिखा क्या? पहले खुद रुको रुको बोलते हैं, लिख, ये लिखना है साहब, दिस विल मेक योर लाइफ पीसफुल। हमने हमारे क्वेश्चन बैंक में हेडिंग्स और समरी, हेडिंग्स एंड समरी की मदद से चीजें याद रखना कंपैरेटिवली काफी बेहतर होता है। और आखिरी दिन सिर्फ ये हेडिंग्स देख देख के रिवीजन होती है। आखिरी दिन आपके इतना समय नहीं होता कि मैं लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ू। अब आप सिर्फ वो हेडिंग देखते हो, हाँ अरे वो मतलब क्वेश्चन की हेडिंग देखते बच्चे, ये वाला सिर्फ, अरे मेरे को पता है कब लेना पड़ता और कैसा, हाँ ये पॉइंट्स पता है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जहां पे हेडिंग्स नहीं डाल पाए थे, इसलिए फिर मैंने मैन्यू डाल के रखी है, वो भी क्लासमेट समय नहीं जाए पहले ही। फिर देन नाउ आप लोगों को ये बात शायद पता होगी, समटाइम्स वी रेफर प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो इन अवर ऑडिट रिपोर्ट। खासकर जैसे प्रोस्पेक्टस में जब हम ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, तो 1 साल नहीं, 5 साल, ठीक है, पहले तो 5 था भाई, अभी 3 हो गया। जैसे मेरे पास पुराना ही प्रोस्पेक्टस है, तो
लेट्स नॉट डिस्प्यूट ऑन 5 वर्सेस 3 प्रीवियस ईयर्स एंड आई विल कंफर्म माई सेल्फ. तो पिछले साल की जानकारी आपको देनी है, पिछले सालों की जानकारी देनी है. अगर आप ऑडिट रिपोर्ट में 3 साल पे रिपोर्ट दे रहे हो, ऐसा होता है कुछ सर्कमस्टांसेस में व्हेन यू रिपोर्ट, और हम पढ़ेंगे ऐसे 710 कंपैरेटिव्स, क्या बोलते उसको, कंपैरेटिव्स. तो अगर आप 2-3 साल को रेफर कर रहे हो, इफ यू रेफरिंग 2-3 ईयर्स पिछले साल, तो आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी 2-3 साल की लेना पड़ता है. सर मतलब सपोज आपको बता रहा हूं प्रोस्पेक्टस में अभी 5, अगर मैं बोलता हूं 5 साल हमने रेफर किए, तो आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 5 सालों का लेना पड़ेगा, पिछले सालों का भी लेना पड़ेगा. यस, जितने साल की रिपोर्टिंग करोगे उतने साल का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा. 5 साल की जिम्मेदारी उठा रहे हो ना, तो बोलो मैनेजमेंट को तू भी 5 साल की जिम्मेदारी उठा. पहले तू मेरे को 5 साल की बातें कंफर्म कर, मैं रिपोर्ट दूंगा 5 साल की. जितने साल रेफर करोगे उतने साल का तुमको कहना पड़ेगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. इसमें एक इश्यू आएगा, कभी कभी क्या होगा, मैनेजमेंट बोलेगा मैं तो पिछले साल ही अपॉइंट हुआ, मैं तो था ही नहीं. कोई मतलब नहीं होता उससे. यू आर द करंट मैनेजमेंट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल द डॉक्यूमेंट, यू विल गिव मी अगेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. तू ही देगा, भले तू था नहीं था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बोले क्यों? क्योंकि तू करंट मैनेजमेंट है, सारे पाप तेरे को ही धोने हैं. तो तू ही वापस, ऐसा लिखा है साइन में, करंट मैनेजमेंट को ही देना पड़ेगा. वो ऐसा बोल नहीं सकते मैं नहीं था, करंट मैनेजमेंट हैज टू गिव इट. और क्या सर वापस लेना, क्या पिछले साल तो लिया होगा ना पिछले साल का. यस दैट वॉज एज ऑन दैट ईयर, दिस इज एज ऑन करंट ईयर, तो फिर से लेना है. लेट्स फ्रीज, ध्यान देंगे सर. पहले लिखा है कब लेना, बिफोर. सब जवाब दें, कब लेना, बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट. इट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल, जितना प्रैक्टिकल हो उतना उसका नजदीक लेना है, करेक्ट. इनफैक्ट साल भर में अगर कुछ बीच में लिया था तो उसको आपने अपडेट करवाना चाहिए. और लिखा है जितने साल रेफर करोगे ऑडिट रिपोर्ट में उतने साल का तुमको WR लेना पड़ेगा, इवन इफ मैनेजमेंट हैज चेंज्ड. अगर मैनेजमेंट बदल गया फिर भी लेना पड़ेगा, करंट मैनेजमेंट को देना पड़ेगा वो, क्योंकि वो करंट मैनेजमेंट है. बात समझिए सब, ठीक है? यस, लेट्स डू वन थिंग. अभी 500 सीरीज हमने खत्म किया, 500 सीरीज तो हम लोगों को 5 घंटे में से आधा घंटा निकाल दो, 4-4.5 घंटे लगे हमको 500 सीरीज को खत्म करने के लिए विथ कोर ऑडिट प्रोसेस. वो दैट वाज इम्पोर्टेंट, उसमें 1 घंटा तो उसमें गया, कोर ऑडिट प्रोसेस की बातें लेकिन जरूरी थी. तो 3 घंटे हमने कुछ लिए. नाउ इसके बाद थोड़ी सी शांति, अभी एक ब्रेक लिया जाएगा और इसके बाद थोड़ा लाइट वेट शुरू करेंगे कुछ. लेट्स स्टार्ट समथिंग लाइट वेट, देखते हैं वो क्या करवाना, वो देखते हैं, ठीक है? 5:10 हुए हैं, ठीक है? आपका ब्रेक है टिल 5:25, 15 मिनट का आपका ब्रेक है.